आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज की ओर से। और आज का ये चतुर्थ जो है वो परिचर्चा सत्र है हमारा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हमने तीन तरह के जो गतिविधियां हैं उनको आरंभ किया है। एक तो जो विशिष्ट वक्तव्य हैं उनको हम इसमें लेते हैं, दूसरा जो अभी आरंभ करने जा रहे हैं वो है कुछ संस्कृत जो ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन, और विशेष रूप से ऐसे ग्रंथ जिनको सामान्य रूप से जिसके बारे में लोगों की कोई जानकारी नहीं होती या वो मुख्य धारा का हिस्सा भी नहीं है, तो उनका जो है अध्ययन और अध्यापन लगभग एक घंटे की क्लास वो अगले दो तीन दिन में हम लोग शुरू करेंगे। और तीसरा जो इसका पक्ष है वो है कि जो हम कार्यशाला या ओपन हाउस डिस्कशन, ताकि हम संस्कृत शास्त्रों का जो ज्ञान है उसे अप्लाइड बना सकें, ये तीन मुख्य रूप से हमारी गतिविधियां हैं। तो इसी गतिविधि के अंतर्गत जो पहली वाली गतिविधि है जिसके विषय में मैंने आप सभी से चर्चा की कि जो विशिष्ट भाषण है उसमें उसी के अंतर्गत ये आज हमारा चौथा भाषण है, परिचर्चा है। और विषय आप सभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि एन एटिमोलॉजिकल स्टडी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस विद रेफरेंस टू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, आधुनिक भाषाओं का व्युत्पत्ति परक अध्ययन आंग्ल एवं अन्य भाषाओं के संदर्भ में। तो इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ श्री राहुल खट्टे जी, जो कि प्रबंधक हैं राजभाषा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नांदेड़ में, वो हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में लगभग 25-30 मिनट के करीब वो अपनी चर्चा रखेंगे। और उसके बाद हमारे सबके लिए ये एक खुली परिचर्चा का सत्र रहेगा, जो भी आपके टिप्पणियां होंगी, जो भी आप लोगों के संदेह होंगे या कोई सुझाव होंगे उसको हम आमंत्रित करेंगे। और उसके बाद इस सारे के ऊपर, सारे विषय के ऊपर जिनका विशिष्ट अधिकार है इस लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, वो प्रोफेसर डॉक्टर सुमन प्रीत जी, जो कि फॉर्मर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड पंजाबी लेक्सिकोग्राफी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अपना जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है वो हमारे साथ उसके बाद साझा करेंगे, और उसके बाद धन्यवाद के साथ हम इस बात को पूर्ण करेंगे। लेकिन आरंभ में कुछ भूमिका के रूप में मैं दो तीन बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूं कि इस सारे विषय को मैं किस संदर्भ में और किस पर्सपेक्टिव से इस सारे विषय को देखता और समझने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से सबसे मुख्य प्रश्न ये रहेगा कि इस सारे विषय को का हमने प्रयोग और उपयोग कहाँ और कैसे करना है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके आधार पर हमें जो वर्तमान कालिक जो नरेटिव्स हैं, डिस्कोर्सेज हैं, नेगेटिव डिस्कोर्सेज हैं संस्कृत को लेकर के या भारतीयता को लेकर के, उन सबको चुनौती भी देनी है और उसका विकल्प भी देना है। लेकिन अपनी बात मैं आरंभ करता हूँ यजुर्वेद के कट संहिता में एक मंत्र जो मेरे सामने आया और बड़ा प्रभावी मुझे लगा, वो है, मैं अर्थ कर दूंगा, बहुत सरल से अर्थ है, कि वाचा वै सह मनुष्या अजायंत रिते वाचो देवाश्व असुराश्च ते यम मनुष्या अवदंस ते तदेवा अभुवन। कितनी सुंदर बात और कितनी सुंदर ऑब्जर्वेशन है कि मनुष्य वाणी के साथ ही उत्पन्न हुए, लेकिन देव और असुर उसके बिना। ये यजुर्वेद का मंत्र है। आप देखिए कि कौन कब लिखा गया होगा या कब सुना गया होगा, कब ऋषियों के मुख से वो निकला होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन कितनी जबरदस्त है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या राहुल जी? आप में से कोई भी अपने को अनम्यूट करके मुझे बता सकता है प्लीज? सुनता है। सुन रहा है, ओके, ठीक है जी। तो आवाज क्लियर आ रही है सर? ठीक है डॉक्टर साहब। तो जो मनुष्य है वो तो वाणी के साथ ही उत्पन्न हुए, लेकिन देव और असुर नहीं उत्पन्न हुए। और जो मनुष्य थे जैसे ही उन्होंने वाणी बोली वैसे ही वो हो गए। कितना ये
सूक्ष्म जो है वो एक ऑब्जर्वेशन है और बड़ी संवेदनशील ये ऑब्जर्वेशन है कि जैसी भाषा हम बोलते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो एक तो इस बात को, ये मेरा एक संदर्भ है। दूसरा जो एक संदर्भ है जो मुझे हमेशा ही प्रभावित करता रहा है वो उत्तर रामचरित का प्रथम अंक का जो 10वां श्लोक है, लौकिका नाम ही साधुनाम मर्थम वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुवर्तते। क्या कहना चाहते हैं वो इसमें कि जो लौकिक अच्छे लोग होते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे जिनके ऊपर सरकारी ठप्पा लगा हुआ है कि हाँ जी PhD भी हो गए और पढ़ लिख के आए हैं, तो उन लोगों की जो अर्थ हैं वो वाणी के पीछे पीछे घूमते हैं कि वाणी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुनराद्यानाम ऋषिणाम, तो लेकिन जो आद्य ऋषि थे उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ किया करता था, अर्थ उसके पीछे पीछे चलते थे। और ये मुझे लगता है 21वीं शताब्दी के सबसे बड़ी कठिनाई को ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम भाषा को लेकर के जो एक कठिनाई में पड़े रहते हैं, एक दूसरे की बात को समझने में जहां कठिनाई होती है, हमारी वाणी ही हमारे भावों के साथ और हमारे विचारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, ये उस बात को ये सारा श्लोक स्पष्ट करता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो वहां पर इस तरह की एटिमोलॉजी की, वहां निरुक्त के निर्वचन की, इन सब बातों की शायद जरूरत नहीं रही होगी, क्योंकि अर्थ जो है वो वाणी का अनुसरण करता था कि जो कह दिया वो होगा, चाहे वो श्राप दे दिया, चाहे वो वर दे दिया, या जो कह दिया। लेकिन आज हम अर्थ लेके घूम रहे हैं कि हमारे अर्थों को जो है वो कोई सही शब्द मिल जाए। और तीसरी एक बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए, जो महाभाष्यकार स्वयं कहते हैं कि शब्देश्वाश्रिता शक्तिर विश्वस्यास्य निबंधिनी, कि वो शब्द पर आश्रित शक्ति है जिसने इस सारे के सारे विश्व को बांध रखा है। तो ये तीन पक्ष जो हैं हमें इस सारी चर्चा के करते हुए ध्यान रखने चाहिए। और साथ ही हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि एटिमोलॉजी का जो सही सही अनुवाद है वो हम व्युत्पत्ति शास्त्र कर तो लेते हैं, व्युत्पत्ति के अर्थ में ले लेते हैं कि हमने धातुओं से किस तरह से अर्थ बनाए और कैसे उस अर्थ का विस्तार होता रहा, लेकिन हम निर्वचन को छोड़ नहीं सकते। आप दोनों के अंतर को जानते हैं कि निर्वचन जो है वो अर्थ पक्ष प्रधान ज्यादा है और दूसरी तरफ जो है वो शब्द जो है वो अपने धातु पर आधारित ज्यादा है, लेकिन दोनों को मिलाकर के भारत में देखने की एक परंपरा है। तो इसलिए एटिमोलॉजी को हमें इन दोनों पक्षों से पकड़ना होगा, ग्रहण करना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एटिमोलॉजी शब्द जो है वो सब ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, जो कि ओरिजिन और डेवलपमेंट जो है शब्द के उससे उसका संबंध है। और आप यहाँ पे ये पढ़ भी सकते हैं कि विद एटिमोलॉजी वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर एज वेल एज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ हिस्ट्री विद लैंग्वेज। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसलिए एटिमोलॉजी के बारे में हमें ये चर्चा करनी चाहिए। दो तीन बातें कहकर के मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे इस सारे विषय के ऊपर अपनी बात साझा करें। देखिए भाषा के तीन पक्ष होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमारा ध्यान इधर की ओर नहीं जाता है कि हर भाषा जो है या शब्द है वो कर्ता के द्वारा, भोक्ता के द्वारा और ज्ञाता के द्वारा। ज्ञाता जो है वो तीन पक्ष होते हैं, जानने वाले के रूप में और उसका प्रयोग करने वाले के रूप में और उसका भोग, उससे आनंद और सुख लेने वाले। तो इन तीन पक्षों को आप जानते हैं, लेकिन हम लोग सामान्य रूप से इस दृष्टि से शब्द के बारे में बात नहीं करते। लेकिन एटिमोलॉजी पे चर्चा करते हुए हम दो बातों का पहले तो ध्यान रखें कि संस्कृत की जो आधार भूमि, पृष्ठभूमि, अंतरधारा है वो है सर्व समाहित करके चलने वाली, सर्व समन्वित, यानी कि अहम और अस्मि के बीच में आप सारा ब्रह्मांड स्थापित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है एटिमोलॉजिकल साइंसेस को डेवलप करते हुए कि संस्कृत की जो अंतरधारा है, जो उसका इथॉस है वो क्या है कि सर्व समावेशी है, कि उसमें अहम और अस्मि के बीच में सारा ब्रह्मांड आप स्थापित कर दें। लेकिन अंग्रेजी में ये चीज नहीं है। अंग्रेजी में आप देखिए कि आई एम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि यानी कि मैं हूं और बाकी दुनिया है, यानी कि एक भेद आपके सामने पहले ही उपस्थित कर दिया जाता है। तो वहां पर
जिस तरह का विकास हुआ और जैसा होना था वो एक नितांत भिन्न पृष्ठभूमि में हुआ, वहां का इथॉस और यहाँ का इथॉस में एक मूलभूत अंतर है। तो इसलिए एटिमोलॉजी को विकसित करते हुए और उसके विभिन्न पक्षों को जानते समझते हुए हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और दूसरे जो मुख्य बात है वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी में जो सामान्य रूप से शब्द होते हैं वहां पर एक शब्द का एक अर्थ और एक अर्थ के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, जैसे कि ए ट्री इज कॉल्ड ट्री, और यही बात हिंदी में भी है। हिंदी में ट्री का अर्थ आप पेड़ कर देते हैं, लेकिन कोई पेड़ का अर्थ पूछे तो वो बताना कठिन है, और इसी तरह ट्री का अर्थ बताना हो तो आपको कठिनाई हो जाएगी। लेकिन संस्कृत में जब आप बात करते हैं तो वृक्ष शब्द का वहां अर्थ हो जाता है समथिंग दैट इज कट एंड फेल्ड डाउन, जिसको काटा जा सकता है और जिसको गिराया जा सकता है वो वृक्ष हो गया। तरु क्या हो गया? समथिंग दैट फ्लोट्स। पादप क्या हो गया? समथिंग दैट ड्रिंक्स यूजिंग इट फीट। तो आप ये अंतर एक देख रहे हैं कि यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड वेयर एज इन संस्कृत वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ थिंग। तो भाषा यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रही है, न कि ऑब्जेक्ट के बारे में। तो एक नितांत मूलभूत अंतर आपको दिखाई देता है, और यही सबसे बड़ी बात है जो आजकल ये आप नीचे एक भाषा पढ़ सकते हैं, इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स देयर इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड द ऑब्जेक्ट्स दे रिप्रेजेंट, बट इन लैंग्वेज ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम देयर इज ए वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड द प्रॉपर्टीज। तो इस बात को भी हम ध्यान रखें इस लेक्चर को सुनते हुए। और एक बात और ध्यान में रख करके मैं आमंत्रित करूंगा, इस बात को भी हम ध्यान रखें कि हमारे जो भारतीय शब्दावली है विशेष रूप से संस्कृत से मिश्रित होने वाली, उसमें तीन बातें मुख्य रहती हैं। एक कि यहाँ पे जो शब्द है वो फर्स्ट लेवल पे दे रिप्रेजेंट द आइडियाज, एट द सेकंड लेवल दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज, एंड एट द थर्ड लेवल दे रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि गम धातु जो है वो आइडिया ऑफ गोइंग को बताता है, गति जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज को बताता है, और फिर साथ ही साथ पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ गोइंग भी बताता है। तो आइडिया, प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट, ये तीनों बातें यहाँ की शब्दावली बताती। अब एटिमोलॉजी को समझते हुए एक बात और देख लें कि जब हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द का एक पार्थिव पक्ष होता है, क्योंकि शब्द को पूरी तरह समझना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों की जो बुद्धियां हैं वो बड़ी कंडीशन्ड हैं, हम लोगों के जो है वो वृत्तियां जो है वो बड़ी सीमित हैं। तो पार्थिव पक्ष से अभिप्राय है कि हम शब्दों का जो रोजमर्रा रोज जीवन में जो प्रयोग करते हैं ये उससे संबंधित है। उसको आप चाहे अपने बाजार में, अपने घर में, अपने परिवार, अपनी रसोई में, रोजमर्रा के संबंधों में जिस तरह से आप प्रयोग करते हैं, तो शब्द का एक पक्ष वो होता है। दूसरा, शब्द का जो शाश्वत पक्ष है वो क्या है कि वो काल में निरंतर चला आ रहा एक ऐसा अस्तित्व है जो आज तक हमारे तक पहुंचा है। न जाने कब वो शब्द बना होगा, वेद शब्द है, मंत्र शब्द है, हजारों साल पहले बना और आज तक चला आ रहा है, और लेकिन वो चला आ रहा है अपने साथ बहुत सारे विचारों भावों को लिए हुए, और वो कहीं काल में रुक नहीं गया कि हम ये नहीं कह सकते कि वो बस यहां तक ही वो शब्द था, आगे भी वो चलेगा और अपने साथ कौन से भाव विचार आदि लेकर के चलेगा, ये वो शाश्वत, ये शाश्वतता उस अर्थ में है। शाश्वत कोई काल का निश्चित बिंदु नहीं है। और तीसरा पक्ष है चिन्मय पक्ष। चिन्मय पक्ष का मतलब है कि हर शब्द कोई ना कोई मूल्य स्थापित करता है, अपने साथ मूल्य उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ होता है। कोई शब्द आप ले लें, कम से कम भारतीय भाषाओं के संदर्भ में तो ये कहना आसान है। तो इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे आज के रिसोर्स पर्सन श्री राहुल खटे जी, जो कि मैनेजर हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नांदेड़ महाराष्ट्र से। वो हमारे साथ जुड़े हैं और ये उनकी विशेष रुचि का विषय है, और उन्होंने इस विषय पे काम भी बहुत किया है, उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, और उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में जो है वो रिसोर्स पर्सन के तौर पर कई जगह इस विषय पे लेक्चर्स भी दिए हैं। तो लगभग आधा घंटा वो आप लोगों से बातचीत करेंगे, और उसके बाद वी विल हैव ओपन हाउस डिस्कशन,
और उसके बाद प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुमन प्रीत जी, जो कि फॉर्मर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड पंजाबी लेक्सिकोग्राफी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और मैडम के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जितनी मेहनत शिद्दत से गंभीरता से और स्कॉलरली इस पे काम किया है लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, वो अद्भुत है। उन्होंने जितनी डिक्शनरीज और जितना अन्य काम किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है, और एक प्रोजेक्ट जिसका मुझे ध्यान पड़ता है जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, उसकी वो एक बहुत बड़ा जो ऑल ओवर इंडिया का प्रोजेक्ट था उसकी वो मेंबर रही हैं, पंजाब को उन्होंने रिप्रेजेंट किया उसमें। उसके अतिरिक्त और उन्होंने बहुत सारे जो हैं अकादमिक कर्म किए हैं जिसके लिए वो नितांत प्रशंसा के योग्य हैं, और उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राहुल जी को कि वो लगभग अगले 25 से 30 मिनट के बीच में अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। श्री राहुल जी। नमस्कार। आदरणीय आशुतोष अंगिरस जी, मैडम सुमनप्रीत जी और इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों का मैं स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेजेंटेशन में, आज की इस प्रस्तुति में। इस विषय, ये जो विषय है इटिमोलॉजी, इस इटिमोलॉजी से जो लोग संस्कृत से जुड़े हैं वो अधिकतर लोग अच्छी तरह से परिचित है कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, उनमें परिवर्तन वगैरह कैसे होता है। लेकिन मैंने देखा कि मैं जब बचपन में जब अंग्रेजी पढ़ता था तो अंग्रेजी का जो विषय था उसमें अंग्रेजी का लेसन रहता था, उसके बाद में उस लेसन के बाद में कुछ क्वेश्चंस रहते थे, उस क्वेश्चंस के बाद में इटिमोलॉजी के कुछ शब्द लिखे रहते थे, और वो जो शब्द होते थे जैसे उल्टा ए लिखा रहेगा, ई लिखा रहेगा, और वो पढ़ने में नहीं आता था एग्जैक्टली शब्द क्या है यही समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो मूल रूप से लैटिन में शब्द क्या है यह लिखा रहता था। तो मेरी जिज्ञासा उस विषय के प्रति बनी रही, और बड़े होने के बाद भी मैंने कई लोगों को पूछा, लेकिन यह विषय माइनर टू माइनर मतलब बहुत ही सूक्ष्म विषय है, और इस विषय की विशेषता यह है कि इस पर कोई प्रश्न ही परीक्षा में नहीं आता था। अब इसके कारण होता क्या था कि उस विषय को टीचर पढ़ाते ही नहीं थे। अब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर जब तक हम नहीं जाते हैं तो उस स्थान की जो उस स्थान के प्रति आपका जो आकर्षण है वह बहुत ज्यादा रहता है। किसी स्थान पर जाने के बारे में, किसी व्यक्ति से मिलने के पहले उस व्यक्ति के प्रति बहुत आपको रुचि इंटरेस्ट जो है बहुत रहेगा कि भाई उसके बारे में मैं जानूं। मैं ऐसा ही मेरे साथ हुआ, और उसके बारे में मुझे मैंने कई वर्षों तक पुस्तकों को सर्च करने की कोशिश की तो वो नहीं मिले। बाद में वर्ष 2013 के बाद में मुझे एक विद्वान मिले जिनका नाम था नरेंद्र पिपलानी, उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी थी इतिहास की मृत्यु। उस पुस्तक में उन्होंने फ्रेंच, जर्मन, लैटिन और अंग्रेजी के शब्द संस्कृत से प्रभावित होकर कैसे बने हैं इसका एक उन्होंने पूरा विश्लेषण दिया था। तो उस विषय को मैंने आगे पढ़ना जारी रखा तो मुझे पता चला कि इस विषय पर और भी लोगों ने चिंतन किया है, पुस्तकें भी लिखी है, कुछ लोगों के ब्लॉग्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगा कि अजीत वडनेरकर जी ने इसमें शब्दों का सफर नाम किए 3 खंड निकाले हैं। उन्होंने शब्दों के सफर मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा के साथ में क्या संबंध है उस पर विस्तार से चर्चा की है अपने खंड में। उसके बाद में द डीएनए ऑफ वर्ड्स नाम का एक ब्लॉग है राजेंद्र गुप्ता जी का, जो बॉटनी के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अभी फॉरेन में रहते हैं। तो डीएनए ऑफ वर्ड्स में भी इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। उसके बाद में मिस्टर दभास सर ने भी इस विषय पर काम किया है। उसके बाद में मनोहर सर ने भी इस पर काम किया है। इस विषय पर जो है उन्होंने मराठी में पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है मराठी शब्दांचे अंतरंग, तो इस विषय में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तो कुल मिलाकर इस विषय पर बहुत सारी पुस्तकें भी उपलब्ध है, और फॉरेनर्स में भी इसने फॉरेन जो लिंग्विस्टिक्स है उन्होंने भी इस पर काम किया है। वो इसको PIE अर्थात प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द कहते हैं, जो शब्दों की मूल उत्पत्ति भारतीय शब्दों से मानते हैं। लेकिन समस्या इस विषय के साथ में ऐसी है कि यह विषय पढ़ाई में ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो कोश विज्ञान नाम का उस विषय था, और उसमें एक कोश था व्युत्पत्ति कोश। तो वो व्युत्पत्ति कोश मतलब है व्युत्पत्ति को बताने वाले जो अर्थ है उसका विस्तार देने वाला कोश, तो उसमें इस तरह चर्चा हुई है। आगे जब मैंने विस्तार से इसके बारे में शोध किया तो पता चला कि पाणिनीय धातुपाठ नाम का एक प्रकरण संस्कृत व्याकरण में आता है, जो धातु जैसे
धातु जैसे मेटल हम इसमें कहते हैं, तो जमीन से जब पहले कोई धातु मिलता है तो सबसे पहले हम धोते हैं, तो वहाँ पे धोने की क्रिया, धूत क्रिया पहले है, उससे फिर वो धातु शब्द बना। और इधर भाषा में धातु से शब्द विकसित होते हैं, जैसे गम धातु है तो गम से जाना आदि शब्द बने। अब सवाल यह उठता है कि यह जो संस्कृत के जो मूल धातु बताए गए हैं, जिस पर पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई है, तो इसमें उन्होंने धातुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है, तो क्या इन मूल संस्कृत के धातुओं का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन के साथ में कोई संबंध है? तो जब मैं गहराई में गया तो मुझे पता चला कि इनका बहुत गहरा संबंध है। उदाहरण के तौर पर ही मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि प्रेजेंटेशन हमारा सही ढंग से प्रेजेंट हो जाता है तो मैं उस तरह से बता सकता हूँ कि इसमें जो है प्रेजेंटेशन ऑन कर लीजिए जी सर, शायद दिख रहा होगा। हाँ जी, हाँ आगे। तो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हम, हमारे यहाँ पे जो व्याख्या बताई गई है, जो विस्तार होने से संबंधित द्रु धातु से बना हुआ ब्रह्म, मतलब हमारे यहाँ पे जो मूल संकल्पना है, जो बिग बैंग की थ्योरी विज्ञान में बताई जाती है कि एक मूल तत्व था वह विस्तारित होकर ब्रह्म बना, तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो मतलब हमारे विद्वानों ने, प्राचीन विद्वानों ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की, और हमारा जो शब्द होता है उसमें एक धातु होता है, उसका एक मूल अर्थ होता है। तो जैसे ब्रह्म शब्द में दिया, तो अभी ऐसे शब्दों का भाषा लिंग्विस्टिक विज्ञान में इसका विस्तार से वर्णन किया गया कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उसका वर्गीकरण कैसे होता है, तो शब्दों को उन्होंने तत्सम, तद्भवदेश शब्दों में बांटा है। तो जो तत्सम शब्द होते हैं मूलतः हम उनको संस्कृत से उत्पन्न मानते हैं, लेकिन कई बार तद्भव और देश शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत के धातु पाठ में मिलती है। ये महत्वपूर्ण तत्सम को तो हम मानते ही हैं, लेकिन तद्भव मतलब उससे उत्पन्न और देश यह शब्द भी उसमें मिलेगा आपको धातु पाठ में, यदि आप गहराई में जाएंगे। इसके बाद में जो शब्द है, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द की हम उत्पत्ति यहाँ पे देख रहे हैं, तो यह जो इंग्लिश शब्द है, आप यहाँ हमारे यहाँ पे एक शब्द है आंग्ल शब्द है और इंग्लिश शब्द है, काफी कुछ मिलता जुलता है। उसके बाद में फिलोसॉफी शब्द है, आम भाषा में हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि जीवन का फलसफा क्या है, तो फलसफा से मतलब वहां पर फिलोसॉफी ही, इनमें बहुत साम्यता मिलेगी, ये अध्ययन का विषय, बिल्कुल हम अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे कि ये शब्द इससे बना या फिर वह शब्द उससे बना, तो इसमें बहुत साम्यता है और ये अध्ययन का विषय है और इसमें बहुत अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में यह विषय पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसके बाद में अब एक मुख्य विषय इसमें यह है कि ये विस्तार हुआ क्यों, इसमें अंतर क्यों आया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है आपने देखा होगा उसमें 5 स्वर होते हैं और बचे हुए जो व्यंजन होते हैं जिसमें 26 वर्णाक्षरों में ही सारी व्यवस्था समाने की कोशिश की गई है। तो उसमें हुआ क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर ढकना है तो टोपी, शर्ट, पैंट और जूते वगैरह पूरा एक लिबास ऐसे कपड़े लगेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को बोला गया कि एक कपड़ा लीजिए और उसी से पूरे शरीर को ढक लीजिए, तो जैसे बच्चे नहाने के बाद में आपको देखा होगा कि एक टॉवेल को लपेट लेते तो उसकी उनकी आकृति प्रकृति जो सिंक्रोनाइज हो जाती, सिकुड़ जाती। अब सिकुड़ना और सिंक्रोनाइज होना, इन शब्दों में भी आपको कभी समानता मिलेगी, तो वो शब्द सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाने के कारण क्या होगा, जैसे बहुत लंबा चौड़ा शब्द है तो वो सिकुड़ जाएगा, तो वो सिकुड़ने के बाद में वो क्या बनेगा, हम ऐसे कई सारे शब्दों का उदाहरण हम देखेंगे। तो 26 अक्षरों में वैदिक संस्कृत के 63-64 शब्दों को समाने के कारण वो सिंक्रोनाइज हो गए, सिकुड़ के पास में आ गए, इसके कारण वो उनका रूप रंग बिगड़ गया, कुछ शब्दों का आद्यंत हो गया, कुछ शब्दों का मध्यंत हो गया, कुछ का अंत्य लोप हो गया, अंत्यलोप, मध्यलोप और आद्य लोप, इसे 3 परिभाषा है उसमें आती है। तो बिरला शब्द आपने सुना होगा, BIRLA, बिरला जो शब्द है वो आप मुंबई में जाएंगे तो आपको IRLA इरला रोड मिलेगा। मैंने कई लोगों को पूछा कि ये इरला शब्द क्या है, तो डिक्शनरी में इरला नाम का कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि BIRLA बिरला का बी गिरने के कारण इरला बन गया, तो आद्य अंत हो गया। तो ऐसे कई सारे शब्द हम आगे भी देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 33 वर्णों में हमारी देवनागरी के शब्द सुनाए गए, तो हमारे यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है शब्दों को व्यक्त करने की, 12 स्वर और बचे हुए व्यंजनों के आधार पर आप शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। और जब आपके पास साधन और संसाधनों की कमी होती है तो हम काम को सिकुड़ लेते हैं, कम कर देते हैं, तो शब्दों के जो वर्ण है वो भी सिकुड़ गए, कम हो गए, उसके कारण बहुत सारे शब्द जो है अपना आकार, रूप, रंग, प्रकार ही बदल लिए।
उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो होती है एक डिक्शनरी शब्द हमारे यहाँ पे बहुत बार आता है, हम डिक्शनरी को रेफर करते हैं। एक शब्द हमारे यहाँ पे है दीक्षांतरी। अब दीक्षांतरी का कंसेप्ट क्या है कि प्राचीन गुरुकुल पद्धति में जब लोग पढ़ाई करते थे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करके रखते थे और उसको बाद में रेफर करते थे, अर्थात दीक्षा के बाद में रेफर करते थे, अंतरी का मतलब बाद में। तो आजकल भी हम जब कहीं कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो एक नोटपैड लेके जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करके रखते हैं, बाद में जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उन सब विषयों को हम रेफर करते हैं। रेफर करने के कारण क्या होता है कि वो हमें दोबारा से याद आ जाते हैं और हम उसको और विस्तार से उनके बारे में जानते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस पैड में हम जो कुछ लिखते हैं और बाद में रेफर करते हैं तो वही कंसेप्ट है दीक्षांतरी का। तो उससे फिर डिक्शनरी शब्द बना है, ये मुझे बताएंगे जो हमारा रिव्यू होगा इस विषय का। तो नेक्स्ट शब्द जो है हमारे यहाँ पे आता है मीडिएट। तो हमारे यहाँ पे एक शब्द है मध्यस्थ, मीडिएटर हम बोलते हैं, मतलब किसी विषय को दो विषय के बीच में चर्चा को जोड़ने वाला या फिर मध्यस्थता स्थापित करने वाले व्यक्ति को हम मध्यस्थ कहते हैं, उससे बना मीडिएट। कॉटन शब्द आपने सुना होगा, कत्तिन और बुनकर शब्द आपने सुना होगा। वो कत्तिन क्या होता है, बिनोले से रेशे को अलग करने की जो क्रिया होती है उसको वो कॉटन कहते हैं। तो कातने की जो क्रिया है उस कातने की क्रिया से फिर कॉटन। उसके बाद में नीड शब्द है, मराठी में एक शब्द है मला कुनाची नड नहीं, मतलब मला कुनाची आवश्यकता नहीं, इसका मतलब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तो हमारे यहाँ पे नीड शब्द है, वो काफी रिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे को। उसके बाद में न्यूज शब्द है, न्यूज शब्द के बारे में ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का जो कुछ आ गया वो हम उसको न्यूज मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि जमीन के अंदर कुछ मिलता है तो उसको हम कहाँ समाएंगे, ऊपर कुछ जा रहा है अंतरिक्ष में यान जा रहा है तो उसका न्यूज कहाँ पे आएगा। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में इसमें चारों दिशाओं की बात की गई है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में दशों दिशाओं की बात की गई है, तो फिर वो बची हुई दिशाएं कहाँ है। तो यह जो न्यूज शब्द है यह शब्द मूलतः नवस्य से बना है। इसका कारण यह है कि हम देखते हैं कि समाचार में अपडेटेड क्या है, अर्थात नवस्य क्या है, अर्थात नया क्या है। तो मूल रूप नवस्य से बिगड़कर न्यूज शब्द बना है, ऐसा हमारा अनुमान है और इसका प्रॉपर हमारे पास प्रूफ भी है। ऑनलाइन इटिमोलॉजी नाम की एक वेबसाइट है, उसमें अंग्रेजी के जो शब्द है उनकी डिक्शनरी में कौन सी शताब्दी में शामिल किया गया इसका स्पष्ट रूप से उच्चारण उद्धरण मिलता है, रेफरेंस मिलता है। तो उसमें उन्होंने साफ रूप से स्पष्ट रूप से बताया है कि 11वीं शताब्दी में कोई शब्द आया, कोई 13वीं में आया, कोई 14वीं में आया। लेकिन हमारे यहाँ पे संस्कृत का जो ओल्ड लिटरेचर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे लगभग कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, 5000 साल से तो हमारे पास उपलब्ध है ही, महाभारत काल से भी हम मान के चले तो मिनिमम 5000 साल का हमारे पास साहित्य उपलब्ध है और उस साहित्य में उस शब्द को मिलता है। तो हमारे पास में जो ओल्डर रेफरेंस हमारे पास उपलब्ध है, जैसे इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द है, ये कैसे बना, इंडिया के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है कि भारत होना चाहिए, तो यह विषय भी आधुनिक इसमें सिनेरियो को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई कौन सा शब्द होना चाहिए। वेजिटेरियन शब्द आप देख रहे हैं, तो वी जो है वीर वीर हो जाता है, विजय विजय भी हो जाता है, उत्तर प्रदेश यूपी और बिहार में आपने देखा होगा विजय को विजय भी बोलते हैं, रिकॉर्ड में भी विजय लिखते हैं, होना चाहिए विजय, लेकिन विजय लिखते हैं BIJAY लिखते हैं। तो जो वी जो वेजिटेरियन था वो वेजिटेरियन हो गया और उससे फिर वेजिटेरियन हो गया, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस पर। इसके बाद में सर्टन शब्द है, शर्तन शब्द है, इससे सर्टन शब्द बना। उसके बाद में उषा है, ओशो शब्द आपने सुना होगा, ओशो शब्द की उत्पत्ति मूल उत्पत्ति आपको उषा शब्द में मिलेगी, उषा मतलब उषक काल होता होता काल रात्र जाली, ऐसा मराठी में कहा जाता है, मतलब उदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसका जो ग्रेविटी शब्द है गुरुत्व शब्द है, ग्रेविटी और गुरुत्व में काफी समानता आपको मिलेगी। उसके बाद में नैनो शब्द है, न्यून शब्द है, न्यून से नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी। व्हीकल शब्द है वाहन, वाहन व्हीकल, वाहन का व्हीकल हो गया, ऑक्सीजन का भी उद्जन शब्द मिलता है। उसके बाद मैंगी फेरा, ये तो आम और मैंगी फेरा का आपको देखा ही होगा आपने। इसी के साथ में एक और शब्द आता है बरगद का पेड़ के लिए, बनियान ट्री बोला जाता है, बनियान ट्री का कोई रेफरेंस उसमें नहीं दिया जाता, मैंगी फेरा इंडिका कहते हैं बनियान ट्री के लिए। बॉटनिकल नेम जो उन्होंने बनाया है तो आजाद दरख्त वटके वृक्ष के लिए, सॉरी वटके वृक्ष के लिए आजाद दरख्त, ये हिंद ऐसा लिखा हुआ है, वो आजाद दरख्त कुछ समथिंग और कुछ और पढ़ते हैं अंग्रेजी में, तो वह आजाद दरख्त ये हिंद ऐसा लिखा हुआ है,
उसका कारण क्या है कि जब अंग्रेज इस विषय पर इसकी जो नेमिंग करते हैं जो वृक्षों की, उस समय उन्होंने देखा कि सॉरी नीम के पेड़ के बारे में है वो, तो नीम के पेड़ के बारे में तो ये तो आज़ाद दरख्त ये हिंद है, तो उन्होंने उसको उसी तरह से नोट कर लिया, अपनी लिपि में लिख दिया, तो आज़ाद दरख्त हिंद जो है, आज़ाद दरख्त हिंद ऐसा कुछ बॉटनिकल नेम नीम के पेड़ का पाया जाता है। उसके बाद में एटम, टम मतलब कटना और अ मतलब नहीं, जो कट नहीं सकता वो एटम, क्योंकि अणु की के बारे में पहले ये कहा जाता कि इसको काटा नहीं जा सकता, बाद में उनका विखंडन हुआ फिर अणुबम बने। ये मूल उत्पत्ति उसका अर्थ, जैसे कि शब्द सर ने, अंगिरस सर ने प्रस्तावना में बताया, उसके शब्द की उत्पत्ति, उसका अर्थ, उसका विपर्य और सारी चीजों हम रखे तो शब्द की उत्पत्ति बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में अमरकोश में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा मिलती है। अभी कल से नया वर्ष शुरू होगा तो आपके घर में कैलेंडर आया ही होगा या फिर आएगा, तो हमारे यहाँ पे काल का परिवर्तन होता है, पक्ष बदलता है, दिन बदलता है, महीना बदलता है, फिर साल बदलता है, तो यह कालांतर की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उस कालांतर का त का ड हो गया, कालांतर, कैलेंडर और कैलेंडर, अब उस पर गौर कीजिएगा। उसके बाद में नॉलेज के लिए स्पष्ट रूप से दिखाता जी एन ओ, ज्ञानेश्वर के बारे में भी डी लिखते हैं, वो ज्ञानेश्वर पढ़ते हैं मराठी में, हिंदी में ज्ञानेश्वर पढ़ते हैं, और आर्यभाषी लोग इसको ज्ञानेश्वर बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, और वो ज देखिए आप मोबाइल में टाइप करेंगे विज्ञान और बैकस्पेस दबाएंगे तो ज अंज वाला जो है पंचमाक्षर वो आता है। तो ये कुछ वर्णाक्षर पंचमाक्षर ऐसे कठिन थे कि अंग्रेजी में लिखते समय उनको कठिन गए, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको अडेप्ट कर लिया और अपने शब्दों में लिख दिया, उसके कारण कई परिवर्तन हो गए। उसके बाद में ये ऋग्वेद में हमको ऋग शब्द मिलता है, राइट शब्द आपने सुना होगा आर आई जी एस टी, तो आर आई जी को पढ़िए ध्यान से, आपको पता चलेगा ये ऋग ही लिखा है। ऋतभुक मितभुक ऐसा एक शब्द आता है, क्योंकि ऋत का मतलब होता है योग्य प्रॉपर, तो फिर उससे शब्द राइट बना, इसका मतलब ये राइट ही होता है, मतलब सही होता है, मैं कितना राइट हूँ ऋत हूँ ये बाद में बताया जाएगा। इसके बाद में ऐसे कई सारे शब्द जो है, विद है, विद्वान है, विद्वान शब्द जो है डब्ल्यू ई आई डी ऐसी उसकी इटिमोलॉजिकल उत्पत्ति मतलब बताई जाती है, पी आई ई प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द बताया जाता है डब्ल्यू ई आई डी, तब ये विद क्या है, वो वही विद्वान वाला विद है। इसके बाद में गॉड शब्द है, तो गॉड शब्द के लिए गोदेव शब्द से गॉड शब्द बना। समिति शब्द है, स का क हो गया तो कमिटी हो गया, मूल रूप समिति था। ऐसे कई सारे शब्द है, स को क में बदल गए, कुछ शब्द जो है शिफ्टिंग जिसको बोला जाता है, उसके बाद का शब्द भी पकड़ लिया जाता है, जैसे बाड़ू शब्द है, उसके बाद में मराठी में उसको बालू होता है, बाल्या होता है, जैसे बच्चों को बुलाते हैं समय वो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, भावावेश में हो जाते हैं, उसके कई सारे कारण है, उसके कारणों पे मैं नहीं जाऊंगा, वो सभी थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, मैं इस विषय को थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति को समझने के लायक इससे रखा है, ताकि सामान्य लोग इससे रिलेट करें, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक जो हमारे सिद्धांत होते हैं उनको पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये सिद्धांत सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, मतलब हम तो समझ लेते हैं लेकिन उनको व्यक्त करते समय आपको उदाहरण जितने ज्यादा आप देंगे तभी वो समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारे विषय जो है ना जनता से रिलेट करते हैं। जैसे ऑटो वाला ऑटो बोलता है, उसको कोई लेना देना नहीं रहता, स्टेशन को वो स्टेशन बोलता है, स खा जाता है शुरू का, क्यों खाता है, क्योंकि उसके लिए वो मुखसुख प्रयत्न लगा जो है उसको जो आसान पड़ता है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो यही सिद्धांत तो संस्कृत में उसको शास्त्रीय परिभाषाएं दी गई, इसके कारण वो हमें कठिन लगता है, जैसे मैं बोलूंगा कठिन लगता है, मैं संस्कृत में बोलूंगा ये जटिल लगता है, तो जटिल ऐसा लगता है बहुत ही जटिल है, लेकिन कठिन जब बोलता है तो हो सकता है कि कुछ हाथ में आ जाए। तो जैसे दुखतार शब्द है हमारे यहाँ पे, जो दुख से तारता है, सुखकर्ता दुखहर्ता शब्द होता है, सुखकर्ता और दुखहर्ता का मतलब होता है जो दुख से दुख हर लेता है, तो सुखकर्ता है तो सुख देता है और दुख को हर लेता है, तो दुख हरने वाला डॉक्टर दुखतार, क्योंकि पंजाब से कुछ लोग जुड़े होंगे तो बताएंगे कि करतार और दुखतार ये शब्द वो पंजाब में बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, यूरोप के रास्ते ये शब्द गए होंगे, तो ये निश्चित रूप से दुखतार से डॉक्टर शब्द बना है। उसके बाद में बॉटनी शब्द है, बूटानी शब्द है, जड़ी बूटी वाला बूटी का बूटानी हो गया। केमिस्ट्री में सी एच ई लिखा है, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई लिखा है, वो केमिस्ट्री लिखा है, हम उसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं, के ई की तरह पढ़ते हैं, मूलतः वो शब्द केमिस्ट्री लिखा है। अब चेमस क्या है, चमस क्या है, तो संस्कृत का चमस शब्द आप जब देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, द्रव पदार्थ के लिए हम चमस का शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो अंक है, अंकों के बारे में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है, अंकों में सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है।
जैसे हम देखते हैं कोई चीज बारंबार प्रयोग में आती है तो उसमें ज्यादा परिवर्तन होते हैं, और जो चीज ज्यादा परिवर्तन ज्यादा प्रयोग में नहीं आती उसमें परिवर्तन यथावत वो ऐसे ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो रिचुअल्स है, जो पूजा पाती है, उसमें कुछ शब्द यथावत हम प्रयोग करते हैं, कुछ विधि विधान ऐसे होते हैं कि हर साल में एक बार करते हैं, तो उनमें बहुत कम अंतर आपको दिखाई देगा। लेकिन जो रोज हम परिवर्तित प्रयोग करते हैं, उनमें ज्यादा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे मराठी में शब्द है उणे, उणे उणे का मतलब होता है कम, पुणे तिथे कशाचे उणे, ये आपने सुना होगा। तो ये उणे क्या है, उणे का मतलब होता है कम। फिर मेरे पास दो आगे तो मुझे क्या लगा कि वो उणे जो था वो तो कम हो गया, इसका मतलब हमने उसका एक में अर्थ ले लिया, उस उणे का वन हो गया। तो दो से वन तो कम ही है ना, एक कम ही है, तो उणे वन। उसके बाद में टू, दो का टू हो गया, ये तो सामान्य सी चीज है, सभी के समझ में आती है। थ्री शब्द है, त्रि शब्द है, इसमें एक और शब्द है चतुर शब्द है, चतुर्दशी चतुर्वार, तो ये जो चतवार है चतवार का फोर हो गया। इसमें एक और शब्द है सात, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फाइव पंच से फाइव आ गया, सिक्स से षड से सिक्स हो गया। ये जो सप्तम शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब ये सप्तम वाय सितंबर जो होता है हमारा महीना, जो नौवा महीना होता है और अक्टूबर के पहले आने वाला, तो पुराने कैलेंडर में ये सातवां महीना था, उसके पहले दो महीने जोड़ने के कारण वो नौवा महीना हो गया। उसके बाद में सात पर आते हैं। अब ये आपने देखा होगा सात, इसमें जो है एक सेकंड, सात में जब हम आते हैं तो आपने देखा होगा 70 शब्द आता है, 70 के बाद में 71 आता है, वहां पे जो 70 लिखा है वो 70 है, 1 + 70 = 71, वो 71 हो गया, 71। 72 जो है वो 70 है, जो स और ह में जो परिवर्तन हुआ है सिंधु और हिंदू वाला, वहां पे दिखाई देता है। 73 में भी वही है, 74 75 76 77 78, तो उसमें वो 70 जो है वो ह नहीं है, मूल रूप वहां पे उसका स है, 70 है वो शब्द। तो ये 7 में हम, और 6 इसके बाद में, इसके बाद में 7 तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सेप्टम का, उसके बाद में अष्टम्बर है, अक्टूबर है, दसवां महीना हुए वो मूल रूप से 8वां था पहले। उसके बाद में 9 है, नवम है, नवम से फिर 9 हो गया, दशम का 10 हो गया, तो 10 जो है दशकट। अब द और ट, इसमें आपस में परिवर्तन हुआ है। महीनों के नाम आपने देखे ही है, कितने हमने आपको बताया है, जो जिसमें किस प्रकार परिवर्तन हो गया है। अब जनवरी शब्द जो है, जो है और ग, इसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। वो जेनस देवता के नाम से जो बताया जाए, तो वो मूल से गनेउरस शब्द है। उसके बाद में फेब्रुआरी शब्द का आप देख रहे हैं। उसके बाद में मरीचस, मार्चस को सूर्य मार्च करता है, वो मरीचस से फिर वहां पे मार्च शब्द बना है। अप्रैल का आप देख रहे हैं, उसके बाद में मई का शब्द देख रहे हैं, उसके बाद में जून, जूनो देवी से वो शब्द मिल रहा है। इसके बाद में नवंबर का आप देखेंगे, दिसंबर का मैं बता ही चुका हूं। अब कुछ डीएनए ऑफ वर्ड्स, एक बहुत अच्छा ब्लॉग है, आप में से जिन लोगों को संभव हो अवश्य देखें। हमारे साथ मैंने राजेंद्र गुप्ता जी को भी जोड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में बॉटनी के प्रोफेसर थे, और आपने एक ब्लॉग लिखा है, इसका नाम है द डीएनए ऑफ वर्ड्स, मतलब जो जैसे डीएनए होता है, डीएनए से सभी लोगों यहाँ पे वाकिफ है, तो उन्होंने शब्दों का निकालने की कोशिश की है डीएनए। तो देखिए, मध्य सागर से मडगास्कर कैसे बना, पूरी प्रक्रिया उसमें दिखाई है उन्होंने। उसके बाद में निर्झर था, निर्झर से झरझर, झरझर निर्घर, नायघरा कैसे बना, पूरा क्रम उसमें दिया है, नायघरा से निर्झर से नायघरा। वेदर शब्द से आर्द्र शब्द, वायु प्लस आर्द्र से कैसे वेदर शब्द बना है, पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हो उसमें, पूरा उन्होंने विस्तार से इसमें दिया है। उसके बाद मम्मी शब्द कैसे बना है, दद्दू शब्द कैसे बना, डैडी दद्दू, दद्दू दोनों एक ही है। उसके बाद में ज्योतिर से तारा कैसे बना, एक शब्द हमारे पास में आता है ग्लोब, GLOBE, ग्लोब, ग्लोब शब्द जो है भू और गोल, भू गोल, तो ये शब्द को आप गोल के बाद भू लिखे, गोल भू के बाद में वो ग्लोब शब्द बनता है। तो कई सारे शब्दों में शिफ्टिंग हुआ है, पहला अंत में, अंत का बाद में, इस तरह से हुआ है।
कंकरीत शब्द आपने देखा होगा कॉन्क्रीट शब्द होता है, पत्थर कंकर शब्द सुना होगा, उस कंकर से कॉन्क्रीट शब्द कैसे बना है इसकी पूरी प्रक्रिया इसमें दी है। इसके बाद में सीमेंट सहबंध, मतलब जो दोनों को साथ में जोड़ के रखता है, उस सहबंध से सीमेंट शब्द कैसे बना है। इसके बाद में चक्रीय से स्क्रू शब्द कैसे बना है, चक्र से चक्र, सर्कल जो है सर्कल शब्द चक्र का कैसे सर्कल बन गया है, कारपेट शब्द कॉकपिट शब्द देखिए, पथ कक्ष क्योंकि वो जो होता है संस्कृत में फ्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है, वो केबिन के लिए किया जाता है, वो फ्लाइंग केबिन जो होता है पथ कक्ष को मिलके कॉकपिट शब्द कैसे बना है। एरोप्लेन सुनकर शब्द सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ईर मतलब हवा और प्लेन मतलब प्लू धातु जो होता है उससे मिलकर बना है एरोप्लेन, मतलब जो हवा के साथ में तैरता है वो एरोप्लेन। ईर का मतलब सौर पथ से ऑर्बिट शब्द कैसे बना है, सौर पथ हौर पथ योर पथ योर पथ और ऑर्बिट। इसके बाद में मंगल से मार्स कैसे बना है, और ये कुछ संदर्भ दिए हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो है इसमें कुछ अंत में मैंने कुछ रेफरेंस देने की कोशिश की कि जो शोध मैंने किया है। हाँ तो ये जो वेबसाइट्स है कुछ विजानाती विजानाती विजान, ये एक ब्लॉग है, उसके बाद हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा, इस पे भी आपको ये कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे। इतिहास की मृत्यु नाम की पुस्तक है और डीएनए ऑफ वर्ड्स नाम की पुस्तक है। शब्दों का सफर अजीत भटनागर जी के तीन खंड इस पर प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बाद में दवास जी का भी एक पुस्तक है, इसमें पूरण सिंह पी एस दवास जी का भी इस पर पुस्तक है। मनोहर भिड़े जी का शब्दों की व्युत्पत्ति पर भी इस पर पुस्तक है। तो मुझे लगता है अभी 10 से 15 मिनट हो गया, और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा तो कई सारे शब्द जैसे इसकी जो भाषा वैज्ञानिक जो व्याख्या है उसके डिटेल में मैं नहीं गया क्योंकि वो थियोरेटिकल हो जाता है। जैसे ध्वनि परिवर्तन नाम का एक भाषा विज्ञान में प्रकरण आता है, उसमें शब्द कैसे बदलते हैं, तो उसमें परिभाषा आती है कि यत किंचत जगत्याम जगत, अर्थात जो परिवर्तित होता है वही जगत है, जो हमारा जो जगत है निरंतर परिवर्तनशील है। तो ये शब्दों पे भी लागू होता है, व्यक्ति पर भी लागू होता है, पूरी सृष्टि पर लागू होता है, हर चीज परिवर्तित हो रही है, और जो परिवर्तित नहीं होती वो काल के गाल में समा जाती है। ये नियम हर जगह लागू होता है, तो शब्दों में भी यह परिवर्तन की क्रिया निरंतर चल रही है, इसी कारण यह जो हम देखते हैं कि इनमें परिवर्तन हो जाता है। अब समस्या हमारी यह है कि हमने भाषाओं को एक अलग नाम दे दिया, जैसे मराठी में यदि मैं राहुल लिखता हूँ और उसी नाम को मैं गुजराती में लिखता हूं तो गुजराती भाषा की विशेषता यह है कि उसके ऊपर की शिरोरेखा नहीं लिखी जाएगी, तो वह जो हिंदी या देवनागरी में लिखा गया राहुल शब्द है वो आपको गुजराती में कुछ और प्रतीत होगा। ऐसे कई सारे शब्द है जो मूल रूप से उनकी ध्वनि जो है वही है लेकिन लिपि बदलने के कारण हमें अलग भाषा प्रतीत होती है। जिन भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी है उनमें वो परिवर्तन प्रतीत नहीं होता, जैसे आपने नेपाली चैनल वगैरह देखा होगा तो उनके समाचार आपने देखे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शब्द तो मैं जानता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। गोवा की जो पणजी के कुछ चैनल वगैरह देखे होंगे आपने तो गोवा की भाषा भी ऐसी है, मराठी और उसमें काफी साम्यता है। प्रदेश के साथ में सटा हुआ यदि प्रदेश है तो वो भेद हमको पता चल जाता है, लेकिन वही अंतर जितना ज्यादा हो जाता है उनमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ और है और वो कुछ और, जबकि उनमें समानता होती है, उनमें संबंध होता है, उनमें अर्थ के स्तर पर भी समानता होती है, लिपि के स्तर पर भी समानता होती है, और भाव के स्तर पर जो सिद्धांत सबने बताए वो तीनों में समानता होती है। लेकिन समस्या क्या है, भाषा जो है ना इस विषय पर एक अलग ही विषय है, इसको लोगों ने अपने कई बार ये होता है कि राज्य बनाने के लिए राष्ट्र बनाने के लिए अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांटने के लिए कई बार इसका प्रयोग होता है। इसके कारण होता क्या है कि जो एक रूपता है इसकी विखंडित हो जाती है, हमको ऐसा लगेगा कुछ और ही हम सुन रहे हैं। जैसे आपने माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस सुना होगा, तो वो एंथोनी गोंसाल्विस जो है क्या आपको एकनाथ गोसावी शब्द की तरह नहीं लगता है, इस पर गौर कीजिएगा। फडणवीस शब्द जो है वो फर्नांडिस की तरह नहीं लगता है। डेविड शब्द जो है वो किस तरह लगता है आप मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये सारे शब्द जो है एक दूसरे से रिलेट रखता है। एक व्यक्ति मुझे मिले जिनका नाम था रॉबर्ट वॉ, अब रॉबर्ट वॉ मैंने उनको पूछा कि रॉबर्ट वॉ है मैं आपको रविंद्र वाघ कह सकता हूँ क्या, तो बोले नहीं मेरा नाम जो है ना वो रॉबर्ट वॉ ही है, आप मुझे रॉबर्ट वॉ ही बुलाए, क्योंकि वो उस
की जो है उससे पहचान जुड़ी हुई रहती है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम में परिवर्तन संभवतः नहीं चाहता है और उसमें उसके साथ उसके भाव जुड़े रहते हैं, लेकिन समय के साथ में क्या होता है उसकी लिपि और उसका अर्थ बदल जाता है। कई बार अर्थ बदलता है, कई बार नहीं बदलता है, उसमें कई सारे भेद आपको दिखाई देंगे। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले ध्वनि परिवर्तन में यह सब कुछ आता है। इसके कई सारे कारण है, ध्वनि परिवर्तन के कई सारे कारण है, जैसे कि सामाजिक कारण है, भौगोलिक कारण है, अन्य भाषाओं का प्रभाव होता है। जैसे मैं मराठी में लिखता हूँ आगरा, तो ग में नीचे डंडी लगाता हूँ, आधा र आ जाता है। तो मैं जब मराठी में लिख रहा हूँ तो आगरा ठीक है, लेकिन जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो वो मुझे आगरा ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि यदि मैं उसको हिंदी के किसी लेख में लिखूंगा तो वो गलत माना जाएगा, लेकिन वर्तनी के हिसाब से हम देखें तो भाषाओं में भेद है। वो भेद और समानता अर्थ के माध्यम, अर्थ के स्तर पर समानता और लिपि के माध्यम, लिपि के स्तर पर भेद, यह हमें समझना होगा। मूल रूप से वस्तु वही होती है, उसके नाम कई सारे दिए जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, घर में बेटा है, ऑफिस में कुछ और है, सामाजिक जीवन में कुछ और है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और है, उसका पद कुछ और है, वह कार्य कुछ और करता रहता है, तो उसके आधार पर एक ही व्यक्ति के कई सारे नाम हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति को कई सारे लोग कई इसमें पहचान सकते हैं। तो शब्दों के मामले में भी यही हुआ है। जैसे सर ने शुरू में पेड़ शब्द के लिए ट्री शब्द बताया, तो आपने गौर किया होगा तरु शब्द से ट्री शब्द का बहुत घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। यदि तरु को आप अंग्रेजी में रोमन लिपि में लिखेंगे तो तरु का ही वो ट्री दिखाई देगा आपको। तो ऐसे कई सारे शब्द है, उसके कई सारे कारण भी हैं और इसके पीछे कई सारी एक पहचान जुड़ी रहती है। पहचान ये है कि यदि मैं अपनी भाषा को दूसरे के से ज़्यादा श्रेष्ठ ना बताऊं तो हो सकता है कि हम पिछड़ जाए। तो ये जो श्रेष्ठता बताने की जो बात होती है उसके कारण भी कई जो है जो सत्यता है उसको कई लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मैं किसी व्यक्ति को कहूंगा कि भाई आपके अंग्रेजी का जो शब्द है ना ये लैटिन से नहीं है, मेरे संस्कृत से बना हुआ है, और उसके मैं उसको यदि बताता हूँ कि भाई आपका जो है ना ये जैसे पावर शब्द है, तो पावर शब्द आप सर्च करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वो उसके मूल में POTI पोती नाम का एक शब्द मिलता है, उसका अर्थ यही है पावरफुल या लॉर्ड। तो हमारे यहाँ पे शब्द है पति, और पति का मतलब ये होता है कि जो सामर्थ्यवान है, जो पति जो हस्बैंड के लिए हम प्रयोग करते हैं। अभी हस्बैंड शब्द भी हस्तबंध शब्द है, हस्तबंध मतलब हमारे यहाँ पे जब लड़की का हाथ लड़के को सौंपा जाता है तो एक हस्तबंध नाम का एक ऐसी क्रिया होती है, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में सौंपना। पुरानी पत्रिकाओं में वो एक तरह का चित्र भी रहता था, हस्तबंध दिखाया जाता है, लड़की का हाथ और लड़के का हाथ, तो वो हस्तबंध का हस्बैंड बन गया। अब ये पति पोती का पति का पावर बन गया। अब कई सारे देवस्थानों में आपने देखा होगा कि नहीं, शादी जब होती है तो लड़के को लड़की को उठाकर उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तो वहां पे पावर का आपको अंदाजा आया होगा कि पावर का वहां पे प्रयोग हो रहा है। अब मूल भाव वहां पे क्या है कि हमारे यहाँ पे ये सामर्थ्य को माना जाता था, क्योंकि पहले आक्रमण आदि होते थे, और एक सामर्थ्य के दृष्टिकोण से भी पति को सामर्थ्यवान होना चाहिए, ये तो सब जानते ही है। तो ये विषय जो है ना व्युत्पत्ति का भी है, ज्ञानवर्धक भी है, इंटरेस्टिंग का भी है। अब घर के अंदर किसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए तो आप मुझे और बेहतर ढंग से बता सकते हैं। तो ये कई सारे विषय इसमें जो है मिले जुले हैं। इसकी सैद्धांतिक में ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं की, इसकी व्यावहारिकता में मैं गया और मुझे जो शब्द ऐसे कई सारे दिखे तो उनके बारे में बताया। जैसे हु शब्द है, तो हमारे यहाँ पे शब्द है कौन शब्द जो होता है उसका क से स्टार्ट होने वाले जो संस्कृत में शब्द है आप देखिएगा, कस है, क्व है, तिस है, कद है, ये सारे शब्द उसमें दिखाई देते हैं। जैसे की KWOS कोस को उसकी मूल उत्पत्ति हु के बारे में मानी जाती है। तो हु शब्द हो गया, व्हाट शब्द हो गया, उसके बाद में वेन शब्द हो गया, वेयर शब्द हो गया, तो ये सारे शब्द जो है आप क से स्टार्ट होने वाले संस्कृत में मिलेंगे आपको, उससे बिगड़ कर ही बने, और उनकी इटिमोलॉजी में भी यही लिखा है। मेरे पास मैंने पूरे इटिमोलॉजी के जो भी अंग्रेजी के विद्वानों के जो पुस्तकें हैं उनको रेफर किया, उसमें भी वही लिखा है। उन्होंने उसको PIE अर्थात प्रोटो इंडो यूरोपियन के नाम से बोला है, अब प्रोटो इंडो यूरोपियन से नाम से हमारी जो भारतीय भाषा से ही उन्होंने शब्द लिए हैं ऐसा वो मानते हैं। अब रहा जर्मन फ्रेंच और इनकी इटिमोलॉजी में जब जाते हैं तो वहां पे उसका उत्तर मिलता है किसी की 11वीं शताब्दी, किसी की 12वीं शताब्दी। कुल मिलाकर जितना पुराना इतिहास, पुराना शब्दों का इतिहास हमारे पास है, जो संग्रह हमारे पास है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि यह जो
विदेशी शब्दों के बारे में बताया जाता है कि ये दूसरे शब्द है, तो मूल यह शब्द मूलतः दूसरे नहीं है, संस्कृत और प्राकृत के ही बिगड़े हुए रूप है, जिसको भाषा विज्ञान में अपभ्रंश कहते हैं। और भ्रंश, भ्रंग और बिगड़ना, ये शब्द एक ही तरह का भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि लिखने में उसको अलग तरह से लिखा जाता है, लिपि में और लिपि में अंतर आने के कारण हमें ये सारा भेद प्रतीत होता है। मूलतः शब्द जो है वो एक ही भाव और एक ही अर्थ प्रतीत करते हैं। मुझे लगता है कि आधे घंटे का समय अभी इस विषय पर बताने के लिए पर्याप्त है। कई सारे उदाहरण और भी मैंने सर को भी शेयर किए थे, जैसे अपर शब्द में हम लिखते हैं कि ऊपर, देखिए अपर शब्द का स्पेलिंग हम देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है UPPER, और यदि मुझे ऊपर शब्द का स्पेलिंग यदि लिखना है तो मैं वही लिखूंगा, अपर बर्थ लोअर बर्थ में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं अपर, तो ऊपर ही लिखा है। तो ऐसे कई सारे शब्द है जिनका लिपि के स्तर पर यदि हम थोड़ा गहराई से अध्ययन करें और साथ ही भाव को जोड़कर देखें, जैसा कि सर ने जो तीन सिद्धांत शुरू में बताए, तो उस पर भी वह खरे उतरते हैं और वह हमें ये सिद्ध होता है कि ये जो है ये इनका मूल रूप से कहीं ना कहीं शब्द है। जैसे विद शब्द है, WEID विद, ये विद का विजडम शब्द बन गया है। उसके बाद में और दो तीन शब्द बताकर मैं समाप्त करूंगा। गऊ शब्द है, गऊ शब्द जो है काऊ शब्द है वो तो बताया ही मैंने। बायोलॉजी में जीव शब्द है, तो कुल मिलाकर ये काफी उदाहरण के साथ में मैंने बताने की कोशिश की। एक और शब्द आता है संस्कृत डिक्शनरी में, ग्लो शब्द आता है, आधा ग और लो, तो ग्लो शब्द का अर्थ वहां पे दिया है चंद्रमा की चमक या फिर सुंदरता। और यही शब्द अंग्रेजी में जब आप जाएंगे तो GLOW ग्लो शब्द आपको मिलेगा, देवनागरी में लिखा हुआ, उसमें भी ग्लो चेहरे की चमक के लिए हम ग्लो का शब्द प्रयोग करते हैं। तो कई सारे कई बार तो जो है जो लिपि है वो समान मिल रही है, उच्चारण समान मिल रहा है, कहीं पर लिपि बदल गई है उच्चारण वही है, कई बार उच्चारण भी बदल गया है, तो कई सारे सिद्धांत वहाँ पे लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर जो व्युत्पत्ति परक हमने ये अध्ययन किया इसमें कि भारतीय संस्कृत भाषा से और प्राकृत से ये शब्द कैसे बिगड़ कर बने हैं, इसमें मुझे लगता है कि काफी हमने मैंने बताने की कोशिश की। इसमें से आपको यदि कोई सवाल हो तो आप अवश्य बताएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार श्री राहुल जी। और वाकई आपका ये जो अभिभाषण था ये बड़ा रुचिकर और ज्ञानवर्धक दोनों ही था, नहीं तो सामान्य रूप से हम जैसे लोग बड़ी गंभीर बात करते रहते हैं और उसमें रुचि जो है ना वो उस तरह से नहीं बन पाती, लेकिन रुचिकर और मतलब इसने सभी में एक स्मित भी पैदा किया है, मंद स्मित भी पैदा किया है, तो वाकई बड़ा रुचिकर लगा। और ज्ञानवर्धक तो रहा ही है, और ये पक्ष से हम ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन आपने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। और हालांकि कुछ एक प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि क्योंकि ये समय जो है वो ओपन हाउस के लिए है, तो आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स की ओर अग्रसर होंगे। जी जी जी, अपने को अनम्यूट कर लें डॉक्टर चित्रंजन जी। हेलो जी, नमस्कार जी। राहुल खट्टे जी ने बहुत ही रुचिकर ढंग से और बहुत ही विधि विधान पूर्वक सिस्टमेटिक ढंग से सारी बातें रखी, और जैसे आपने कहा कि स्मित हास्य उत्पन्न हुआ, तो मुझे भी इसी संदर्भ में कुछ बातें याद आ रही थी कि जब हम पढ़ते थे वो कहते हैं कि सभी शब्द धातु से उत्पन्न हुए हैं, और हमारे गुरुजी व्याख्या करते थे जैसे कॉलेज शब्द है कॉलेज, तो काले जायते की कॉलेज, काले जायते जिस समय पर लगता है इसलिए कॉलेज कहते हैं। और जो आपने शब्द बताए, मैं भी एक शब्द सोचता हूं और मैं उसको कहता भी हूं, जैसे HOUR, और जो हम घंटे के लिए प्रयोग करते हैं, तो सोचते थे कि ये कैसे बना शब्द, तो अहोरात्रम होरा चक्र, तो होरा शब्द तो संस्कृत का शब्द है और बना हो अहोरात्रम से, अकालोप हो गया और त्रकालोप हो गया, बन गया होरा। तो ऐसे ऐसे जो व्याख्यान है उनसे पता चलता है कि सारे विश्व के अंदर
भाषाई विश्व बंधुत्व तो बना हुआ है, उसको समझने की आवश्यकता है। और मुझे जैसे आपने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखा होता तो सरलता होती है, संत विनोबा भावे जी की बात भी मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि वो कहते थे भारत वर्ष की भाषाई एकता के लिए ये बड़ा सरल उपाय है कि सब देवनागरी में लिखी, सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में यदि लिखी जाती हैं तो भाषाई एकता बड़ी सहजता से उत्पन्न हो जाती है। और मुझे याद है मैंने वो उनके प्रयास के द्वारा निर्मित, उनकी प्रेरणा से निर्मित चार्ट भी देखे थे, अब उनका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं रहा, कि जिसमें सारी भारत की जो भाषाएं हैं और अंग्रेजी को भी साथ लेकर के देवनागरी में लिपि में लिखते हैं तो उसके उच्चारण में सुविधा होती है, पठन पाठन में सुविधा होती है और भाषाई एकता स्थापित होती है। और इस संदर्भ के अंदर मुझे याद आ रहा है एक बार अंबाला कैंट के एक विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, उनकी अपनी वर्कशॉप भी थी और वो पंडित जगन्नाथ जी, उनके यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर कई बार लेक्चर भी हुए और वो अपना चुंबकीय ऐसी मैग्नेट थेरेपी भी करते थे। मैं भी उनके यहाँ गया था एक बार, उन्होंने तारामंडल भी बनाया हुआ था। उन्होंने एक पत्रक सा निकाला था और उसमें जो अंग्रेजी की शब्दावली, जैसे आपने भी प्रमाणित किया बड़े अच्छे ढंग से, आपने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया आपने और बड़े बड़े नए नए शब्द भी सामने आए हमारे आज। तो जैसे था ना कमेटी, तो उन्होंने भी इसको समिति से ही सिद्ध किया हुआ था। और जो हस्बैंड हस्तबंध, इसकी व्याख्या हमारे एक व्याकरण करते थे कि हस्ते हस्ते से प्राप्त कर लेता है हसन विंदती, हस्तबंध तो है ही है, तो ऐसा निरुक्ति करते थे वो हसन विंदती, हंसते हंसते से प्राप्त कर लेता है वो, तो उसके अंदर भाव छिपा हुआ है। तो ये जो शब्दावली है उसके अंदर यदि हम इस दृष्टि से चिंतन करते हैं, अर्थ की दृष्टि से चिंतन करते हैं, तो हमारी जो प्राचीन संस्कृत भाषा और प्राकृत अपभ्रंश, मुझे ध्यान आ रहा है ऐसी पुस्तक मैं जब छोटा था पता नहीं किसी ग्रंथालय में देखी या किसी विद्वान के पास देखी, उसके हाथ में ऐसी पुस्तक थी जिसमें अंग्रेजी भाषा के लगभग 60% शब्द इन्हीं संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से सिद्ध किए हुए थे। तो ये जो भाषा विज्ञान का विषय है और शब्दों के अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच का, परिवर्तन का, बड़ा ही रोचक विषय है। और इसमें जो संस्कृतज्ञ हैं वो तो चिंता करते ही हैं। और देखिए यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे अब संस्कृत के अंदर विज्ञान है और उस दृष्टि से मैं एक श्लोक उद्धृत करना चाहूंगा, अगस्त संहिता में एक श्लोक है, संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादये चिकिग्रीवेन चार्द्राभि काष्ठ पांशुभि दस्ता लोष्टो निधातव्यः पारदाच्छादितस्ततः संयोगा जायते तेजो मित्रा वरुण संगीतम। अब ये मित्रावरण की जो व्याख्या की गई है वो कहा है इसने इलेक्ट्रिसिटी है मित्रावरण। अब मित्रावरण और विद्युत, इसका जो अर्थ यदि हम घटाना चाहते हैं उसके लिए इसे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे ही चिखी ग्रीव क्या है, वहां तो लिख दिया जी वैज्ञानिक शब्दावली है इसका, वो कॉपर सल्फेट अर्थ भी कर देते हैं, किंतु उसको शिखी ग्रीव नाम क्यों दिया गया। अब इस पर चिंतन करते हुए एक जगह चर्चा हुई, क्योंकि मैं भी ये जिज्ञासा रखता था, तो उन्होंने कहा शिखी जो ये शिखी है मोर की, मोर की शिखा जो नीला है मोर, और नीला थोथे को बोलते हैं ये, तो कितना अर्थ समय भी है, वैज्ञानिक शब्दावली भी है। ऐसे ही दस्ता लोष्ट, दस्ता लोष्ट जो ये वैज्ञानिक शब्दावली में उपयोग किया गया संस्कृत में श्लोक के अंदर अगस्त संहिता में, इसके लिए वो कहते हैं जिंक है ये। अब जिंक से कैसे मेल इसका बिठाना है दस्ता लोष्ट का, तो ये जो शब्दावली है संस्कृत के, देखिए चाहे वेद है, चाहे हमारे आरण्य ग्रंथ है, चाहे पुराण शास्त्र है, चाहे रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, और तो और ये महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य, निरुक्त शास्त्र, इनके अंदर शब्दों की उत्पत्ति का बड़ा गहरा विवेचन है।
और प्राचीन काल से शब्दों के जो मर्म को जानना है उसी के लिए ही काव्य शास्त्र में अभिधा लक्षणाभिधा का विस्तार है। किसी भी पंक्ति का अर्थ हम लगा ही नहीं सकते जब शब्दों के मर्म को नहीं जानेंगे, उसकी व्युत्पत्ति को नहीं जानेंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं तो अब जो सबसे आजकल बात चल रही है, हमारे देश का नाम भारत, किसी को भारत शब्द से प्यार है, किसी को हिंद से प्यार है। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया जय हिंद, और हिंद की व्याख्या हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रजक्षते। तो उस भाव यदि हम समझते हैं, उस व्याख्या को, उस अर्थ विस्तार को समझते हैं, तब हमारा उससे प्रति एक भावनात्मक और लगाव हो जाता है, और चिंतन की दृष्टि पर भी हम उससे जुड़ते हैं, उसमें अपनत्व तो आता है। ऐसे ही जो हमारा आर्यवर्त है, उस आर्यवर्त के आर्य श्रेष्ठ है, रिगतौ धातु से जो आर्य की उत्पत्ति होती है, जब उस आर्य के भाव को, गतिशीलता को, उसकी उत्तमता को, और जहां जहां भी चाहे रित भुक हित भुक मित भुक का आपने उदाहरण दिया, जब उसके अर्थ के मर्म को जानते हैं तो उसके भाव की गहराई समझ करके उस भाषा के प्रति भी नमन करने का एक भाव पैदा होता है, और उस के अर्थ को हृदयंगम करके किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। फिर सारे अब संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है। मुझे तो कई बार अनुभव होता है कि जब सारी भाषाएं देव भाषा से प्रभावित हैं, अनुप्राणित हैं, तो सारी भाषाएं देव भाषा हो गई। सोने से बनी हुई हर चीज सोना ही तो है। भाषाओं की एकता अनुभव करके बड़ा उच्च भाव पैदा होता है। तो बड़ा ही आपका सार गर्भित और बहुत ही दृष्टि देने वाला वक्तव्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशुतोष अंगिरस जी को भी बहुत धन्यवाद। उनका ये जो एक शास्त्रीय विवेचना का और वैज्ञानिक विवेचना का जो ये शब्द ब्रह्म की अनुभूति कराने वाला कार्यकलाप है, निरंतर अपनी उत्तमता को, अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त हो रहा है, सबको विद्वानों को जोड़ रहा है, और सारस्वत कर्म के अंदर सहभागिता करते हुए मुझे सदा आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद डॉक्टर ब्रजेश जी, राहुल जी आप एक साथ ही फिर सबका उसके ऊपर टिप्पणी कर दीजिएगा। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी या शिवाजी, डॉक्टर शिवाजी पांडे। जी सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ जी सर, मैं सर खाटे जी का बहुत अच्छा लेक्चर हुआ। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने आगरा और आगरा कहा तो ये हमारे हिंदी में आगरा जब लिखते हैं तो उसमें र पूरा होता है और ग आधा होता है, तो क्या मराठी में वो आगरा जब कहते हैं तो र उसमें आधा होता है और ग पूरा होता है? जी हाँ, उसमें ग जो है उसमें तिरछी डंडी लगाते हैं, र आधा होता है उसमें। तो मैं अच्छा, कई बार इसमें होता क्या था कि जब हम अनुवाद करते थे ना, मैं मूलतः मराठी भाषी हूँ, और जब मैं हिंदी में अनुवाद करता था तो कई बार ऐसा शब्द लिखता था, तो मुझे वो जो चेक करने वाले थे वो बोलते नहीं आपने गलत लिखा। मैंने बोला मैंने पढ़ने में तो सही, काफी सही है, तो नहीं बोले ये आपने लिखा है, ये मराठी में होता है, ये हिंदी में जब लिखेंगे तो हम पूरा लिखेंगे। जी जी जी, हिंदी में। और सर एक आपसे सर, अंगिरस जी आपने जो पहले उद्बोधन दिया बहुत अच्छा दिया आपने, बहुत तथ्य परक था, तो धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। उसमें सर वो वाक के बारे में जैसे आपने यजुर्वेद का मंत्र उद्धृत किया, तो उसके पहले ऋग्वेद में भी आठवें मंडल में अच्छा एक वाणी से संबंधित आया है मंत्र, देवीम वाचम जनयंत देवास्ताम पशु वदंत विश्वरूपा सानु मंत्रेश मुर्जम दुहा नाम धेनु वर्गास्मान उपसुष्टु तेतु। ईश्वर ने जिस सृष्टि की जब रचना की उसी समय वाणी को भी उत्पन्न किया। जी जी हाँ, इसका संदर्भ और उसका संदर्भ थोड़ा सा अलग है। यहाँ हमारा जो है वो ज्यादा जो भाव है वो केवल मनुष्य पर केंद्रित है, और इसलिए इसको लिया था कि मनुष्य के पास संभावनाएं कितनी है, ना असुरों के पास है ना देवताओं के पास है, मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ है।
जी सर, हालांकि वो भी उन्होंने कहा कि देन पर दुहाना, तो वो मनुष्यों के द्वारा सेवित ही बताया। और ये मैं समझता हूँ कि ये आपका जो आयोजन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तथ्य परक है। मैं तो एक जी इसको लेंगे डॉक्टर, खटा नहीं मैं सुन रहा हूँ इसमें। और चलिए अच्छा है, और लोगों की जिज्ञासा होगी, प्रश्न तो हमारे बहुत है, लेकिन धन्यवाद आप जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजेंद्र जी, क्योंकि आपका तो इस विषय पे विशेषज्ञता है जी, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार, नमस्कार सभी आयोजकों को और सभी मित्रों को प्रणाम। राहुल जी ने मेरे काम का संदर्भ दिया है और मुझे अभी चैट में अनुरोध भी किया कि मैं दो शब्द कहूँ। समय की कमी है इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो केवल 2-3 मिनट। जी जी हाँ, थोड़ा सा। जी मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अपने लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के कुछ साथियों से बात करते हुए मुझे पता चला था कि दिल्ली की भाषाविदों का मानना है कि भाषा की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति इंडिपेंडेंटली अनेक स्थानों पर हुई, लेकिन जीव वैज्ञानिक होने के नाते मैं जानता था कि सभी मानवों की उत्पत्ति एक ही जगह हुई और फिर इवोल्यूशन से बाकी पूरे संसार में फैले। तो मेरी मान्यता थी कि जब सभी मनुष्यों की एक ही उत्पत्ति है तो सभी भाषाओं की भी अल्टीमेटली एक ही उत्पत्ति होनी चाहिए। तो इसी दिशा में काम करते हुए फिर मैंने जीव विज्ञान के जो DNA के सिद्धांत हैं उन्हें भाषा पर लगाया और एक फार्मूला निकाला, और उस फार्मूला के तहत ही मैं इसे DNA और वर्ड्स का सिद्धांत कहता हूँ। और जो अपनी देवनागरी की वर्णमाला है वो मैंने एक मॉडिफाइड वर्णमाला उसे मॉडिफाई किया, जिसे मैं पीरियोडिक टेबल ऑफ साउंड्स कहता हूँ। तो उसके हिसाब से विश्व की सभी भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई और एक भाषा से दूसरी भाषा में जब शब्द जाते हैं तो कैसे बदलते हैं, उसका एक फार्मूला मिल गया। तो वो जो मॉडिफाइड वर्णमाला टेबल है उसमें जब भी कोई शब्द बदलता है तो या उसके कॉलम में या उसके रो में ही परिवर्तन होता है। और मेरे पास अब लगभग 40,000 शब्दों का संग्रह हो गया है मेरी नोटबुक्स में। क्या बात, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। और विश्व की किसी भी भाषा और जितने हमारे मॉडर्न शब्द हैं उनको हम बैक ट्रेस करके उनके आदिम शब्दों तक ले जा सकते हैं। तो ये ब्रीफ में मेरा काम है। अभी एक वेबसाइट मैंने बनाई है और धीरे धीरे इन्हीं सब नोटबुक से उसे अपलोड कर रहा हूँ। तो 40,000 में से करीब 3,000 को मैंने अपलोड किया है। तो मेरी आशा है कि इस साल के अंत तक मैं कम से कम 6,000 शब्दों का बनाकर उसे मैं ओपन करूंगा। अभी समय की बहुत कमी है, इतना ही कहूंगा जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये बड़ी आह्लादित करने वाले आपकी सूचना है और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि एक वक्तव्य जो है आप विशेष रूप से हमारे लिए दीजिए, अलग से समय दीजिए और पूरा एक वक्तव्य आप दें। और मेरा आग्रह रहेगा दो सज्जनों से, डॉक्टर चितरंजन जी से भी और डॉक्टर प्रोफेसर सुमनप्रीत जी से भी, क्योंकि वो लिंग्विस्टिक से हैं। तो अगर इसको चितरंजन जी से तो इसलिए कि भाई अगर वो इस तरह का कोई प्रयास अगर कर सकें अकादमी की ओर से, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं संस्कृत अकादमी हरियाणा के, तो उसको अपलोड करने के लिए या उसके साथ टाई अप करने के लिए, इसको वेबसाइट के साथ जोड़ने के लिए अगर वो कुछ ऐसा प्रयास करें तो मुझे लगता है कि अच्छा कार्य हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अकादमी की ओर से इसको लिया, थोड़ा सा लिया जाना चाहिए ताकि और डॉक्टर सुमनप्रीत जी क्योंकि तो डायरेक्टली वो कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई भी हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ टाई अप कर सकते हैं उनका डिपार्टमेंट इस सारे विषय को लेने के लिए। तो ये तो चलिए आग्रह हो गया। इसके बाद जल्दी से एक टिप्पणी ले लेते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा जी की, और फिर उसके बाद किसी और की कोई टिप्पणी है तो देख करके और फिर प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स के लिए हम आमंत्रित करेंगे। जी मैडम, एक एक राहुल जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। वो बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं और जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनके पास संकलन किया।
जी मैडम नमो नमः। आज का जो विशेष चर्चा है बहुत क्लिष्ट और बहुत गहन टिपिकल है ना, ये तो मैं कहूंगी कि इसको समझना वास्तव में बहुत दुर्लभ है। लेकिन जो मैंने गुरु मुख से सुना, उन्हीं की छत्र छाया में रहते हुए 25 साल तक, उनके लिए मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगी विद्वानों के, कि मेरे घर से भी संस्कृत साहित्य के अंदर लिंगानुशासन कोष, उनादि पदानुक्रम कोष लिखा गया, जो शब्द व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति पर ही है। इसमें एक उदाहरण साइकिल उन्होंने बताया, सह आयकिल मतलब कीलों की सहायता से बनी हुई एक ना यंत्र जिसको साइकिल बोला गया, उसको उन्होंने काफी सारे शब्दों को देश विदेशी भाषाओं के शब्दों को लेकर भी, फादर मदर ब्रदर ब्रदर भाई, ऐसे कई शब्दों को उन्होंने सिद्ध किया है। और ये जो लिंगानुशासन कोष ही अकादमी राजस्थान साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है उनके मरणोपरांत, है ना। और इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पे शब्द व्युत्पत्तियों पे बहुत सारा काम किया, लगभग 3 पुस्तक इन्होंने अलग अलग लिंग के अनुसार स्त्री प्रत्यय और वो कारक संज्ञा वगैरह सब पे लिखी है, 3 भाग इसके। तो इन्होंने इनसे जो मैंने सीखा और जो मेरी समझ में जो आया कि मानव जनित जो प्रयास है ये बहुत अच्छे है ना। और इसी क्रम में इनके पिता थे जिन्होंने राष्ट्र वेद लिखा, उन्होंने भी वैदिक भाषा को पकड़ा और उससे एक ग्रंथ की रचना की। ये मानव जनित प्रयास थे इस भाषा को पकड़ने के, जो मेरे घर से ही हुए हैं। और मैं तो एक कुछ गुरुमुख से सुनी बात समझती हूँ, वो ये समझती हूँ कि भाषा तो एक ही है लेकिन वास्तव में क्षेत्रवादिता बढ़ाने के लिए, जैसे फादर को ना मदर को मदर और माता इनमें भेद करके उसको शायद हरदम अलग कुछ दिखाने के लिए इस भाषाओं को अलग अलग किया गया है। उसमें सब चीजें समानता मिलती है जब देखा जाए तो, और जब उनकी सिद्धियां की जाती है तो। और इनकी इस पुस्तक की खासियत है कि इन्होंने सूत्र लगा के उसको सिद्ध किया है, संस्कृत की वैज्ञानिक सूत्र लगा के, वो बहुत कठिन कार्य है मेरे हिसाब से। उस एक एक अक्षर का शब्द का इन्होंने सूत्र लगाया पाणिनीय सिद्धांत के अनुसार और उस शब्द को सार्थक किया है। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहूंगी। मैडम इंदु, मेरा निवेदन रहेगा कि ये पुस्तक अगर आप इसका कोई सूचना हमें पब्लिशर वगैरह भेज दें तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं और इसके ऊपर कभी चर्चा भी रख सकते हैं, चाहे हाँ जी, तो निश्चित रूप से उनके साथ हम इस विषय पे चर्चा रखेंगे। और ये बहुत हमारा आदर है उनके प्रति, उन्होंने इतना गहन काम किया है, तो निश्चय ही प्रशंसा की योग्य बात है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनसे संपर्क, जो भी उनकी पुस्तकें हैं उनसे हम संपर्क जरूर करना चाहेंगे ताकि पता लगे हो जी। इसके बाद डॉक्टर सदानंद जी। सर। यस सर, लेट मी थैंक डॉक्टर राहुल जी, राहुल काटे जी, फॉर presentation of the etymology in such a nice manner. It was very, very informative. I just want humbly to add a few points. I am marveled at the description of linguistic status of the present day Bharatiya population and what was in the past. 18 languages or more are there as official languages. Some are called classical language, classic language, say for example Tamil from the south, etc. 1800 languages are being used, it seems, presently in our country. Some are with oral transfer only, no written, no alphabet, nothing. Some are getting alphabet because of the efforts of the community, for example, the Tulu language in the south, the Tulu Kongani language in the south, etc. You have also heard about how protests happened in northeast when English alphabets, instead of English alphabets, Hindi, Devanagari alphabets were suggested by the government. Leave all those things. Now, coming to certain things which Professor Angirasji, Ashutosh Angirasji had in the introductory speech mentioned, I would like to add that apart from the mood,
the emotion, the motivation, the education of the speaker, the context of the person is also very important. The context of the person is very important. It is mentioned by not only people from extreme north, but also people from extreme south. Extreme north, none other than Abhinav Gupta Mahamaheshwar, Pratyabhidna Siddhanta. And in the south, it is none other than Kunyoni Raja. The context is important. Now, coming to certain sounds or shabda or words which are directly taken from other languages. Other languages have directly taken from our language, Sanskrit. For example, let us take yoga, bhakti, jnana, nirvana. One word which is directly taken with a meaning which is equivalent to Krishna avatar, Lord Krishna avatar, is the word avatar in French language. We have adopted bench, technique, glass, soap, switch, etc. We are not translating into our vernacular or national language, and we are directly using it, using the same meaning, the context, everything is same. Now coming to a third group of sounds, shabda, the onomatopoeic sounds. Onomatopoeic sounds means the sound or the shabda or the word will denote the scenario which it is describing. Say, for example, gurgling sound, in English, gurgling sound is when somebody is belching, somebody is swallowing something. From the stomach, the sound which is coming out, borborygmi, all these are onomatopoeic sounds. Say, for example, another kanganam. Kanganam denotes the jingling of the bangles together. And chilanga, padasaram, that the ornament which is worn on the foot, on the feet, by the dancer, that also is having an onomatopoeic sound, onomatopoeic name. The sound depicts the scenario of which the word is describing. Now coming to certain Malayalam words, anargalam, vinirgalikyuga. It means the speaker speaks with fluency, just like the river is flowing from the mountain to the sea. That sound of the river flowing is given in those words. Leave it at that. Now, I would like to say that many Sanskrit words are being used in not only in French, but also in other languages. It is directly taken from yoga. Nobody is translating into some other language. Yoga is yoga only, nirvana, yoga. In short, what I should say is the Sanskrit words have a dependence on the context in which it is spoken, the mood of the person who is using it. I feel that the vyakti, the bhakti, the yukti, mukti, virakti, all those things are involved in certain words in certain contexts. For example, I am coming from a district in Kerala, which is presently called the Malappuram district, probably before it was the Kozhikode district or Calicut district. And the original work done by none other than Poondanam Krishnan Nambudiri. Poondanam Krishnan Nambudiri, Jnanapana, it is written in Malayalam. And it is the yeoman work on grief reaction,
description, poetic description of grief reaction after the demise of his son. And there is no replacement for such a work. Just like Madhra Panchaka of Madhra Panchaka of Kaladi Shankaracharya, Adi Shankaracharya. Now, I will end up by saying that Adi Shankaracharya has gone deep into the analysis of the words and sentences, the alphabets in sequence, forming the word, the words in sequence forming the sentence, emanating meaning, just like aroma in the kitchen. He has described in poetic language very nicely. Thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you. Really good observations. I really appreciate these observations. I was not aware about these facts which you have shared with us. Thank you so much. So anyone else wishes to share anything? यदि किसी और की कोई टिप्पणी है तो कोई पक्ष है तो आप हमारे साथ साझा करें, नहीं तो एक संक्षिप्त सी जो टिप्पणी है वो हम, राहुल जी आप कुछ कहना चाहते हैं बहुत संक्षेप में, ताकि फिर उसके बाद हम प्रेसिडेंशियल कमेंट की ओर चलें। जी, इसमें बहुत से शब्द जो है मैं बताना चाह रहा था लेकिन वो एकदम से मुझे ध्यान में नहीं आ रही थी। बहुत से शब्द है और उसके लिए मैं रेफर ही करना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन इटिमोलॉजी नाम की जो वेबसाइट है उस पर यदि आप जाएंगे तो वहां पे पी आई ई के नाम से लिखा हुआ रहता है, बोल्ड में लिखा रहता है शब्द, तो बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे उसमें और आपको एक्सप्लोर करने के लिए भी दिशा मिल जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब हमारा समय है कि आज का जो अध्यक्षीय टिप्पणी है, अध्यक्षीय कमेंट्स हैं, उसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमनप्रीत जी, जो कि फॉर्मर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड पंजाबी लेक्सिकोग्राफी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो मेरा उनसे सादर निवेदन है कि वो आज के इस सारे विषय के ऊपर अपना वक्तव्य दें और इसकी जो दिशाएं, जो भी इसके विभिन्न आयाम हैं उसके बारे में वो हमारे साथ विचार साझा करें, ताकि हमें भविष्य के लिए दिशा भी मिले और उस दशा को हम ज्यादा सुधार भी सकें। जी नमस्कार प्रोफेसर आशुतोष जी। प्रथम तो मैं अनुप्रयुक्त संस्कृत शास्त्रीय ज्ञान संस्थान के आयोजकों की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं राहुल खटे जी का जो आज का व्याख्यान था, आधुनिक भाषाओं का व्यक्तिपरक अध्ययन, उस पर बात कर सकूं। और मैंने जितना भी बाद में इसके बारे में जो भी डिस्कशंस हुई हैं वो भी सुनी हैं, तो ये प्लेटफॉर्म के साथ काफ़ी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने काफ़ी काम किया है। खासकर इसमें आप बात कर रहे थे कि एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर राजेंद्र जी, वो उन्होंने राहुल खटे जी को काफ़ी सहयोग भी दिया इसमें। तो पहले तो ये है कि ये जो विषय जो चुना है राहुल खटे जी का ने, उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। ये विषय ऐसा है कि जिसपे काफी काम करना अभी बाकी है। जब भी हम बात करते हैं व्युत्पत्ति की, तो व्युत्पत्ति के बारे में जब भी हम सोचते हैं, तो जैसे राहुल खटे जी अभी भी बात कर रहे थे कि प्रोटो इंडो यूरोपियन पीआई जिसकी बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन एक एटमोलॉजी की साइट भी है जहाँ पे प्रोटो इंडो यूरोपियन के, हमें वहां से काफी इसके बारे में ज्ञान मिल जाता है कि एटमोलॉजी के जो शब्द हैं जो हमारे वो कहाँ से आए। तो जैसे हम बात ही कर रहे थे कि धातु की, तो ये बड़ा इससे स्पष्ट है कि जब हम प्रोटो इंडो यूरोपियन की बात करते हैं, हम संस्कृत के बिना बात ही नहीं कर सकते प्रोटो इंडो यूरोपियन की। और संस्कृत शब्द बाद में आया है, उसके पहले जो है वैदिक भाषा, जो छंदस जिसकी बात करते हैं हम, तो वो पहले आती है। जो चीज पहले आती है तो हम हमेशा उसी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वो स्रोत है।
तो धातु पाठ की भी जब बात करते हैं तो जैसे ही जैसे माना जाता है जैसे उसको शब्द संस्कृत जब पाणिनि जी ने इसका नाम दिया कि इति संस्कृतम, तो उससे पहले भी जो भाषा जिसको हम लोग देखते हैं कि प्रोटो इंडो यूरोपियन में जिसके रूप थे और जिससे आगे जो सबसे अग्रणीय होने के कारण सबसे पुरानी होने के कारण उसके बाद ही लैटिन ग्रीक और बाकी भाषाएं आ रही है। तो जब भी एटिमोलॉजी की बात होती है तो हम जब भी कोई कंपैरिजन करेंगे तो जो हम लोगों को जो करना पड़ता है तो वो पहले संस्कृत से ही शुरू करना पड़ता है। जो हमारे पास एक टर्म आई उससे पहले वाला इतिहास जो है उसका बहुत मुश्किल होता है और उसके रूट्स बड़े मुश्किल निकलते हैं, पर हमारे पास संस्कृत का एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम शुरू कर लेते हैं, जहां से हम रूल्स बनाने शुरू करते हैं, जहां से धातु पाठ का एक हमें मिलता है कि ये धातु पाठ है। यास्क मुनि ने अपने जब एटिमोलॉजी की बात की उन्होंने भी तो उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली ओनोमेटोपा एक शब्द है जैसे कि जो सिर्फ अनुकरण से होता है जैसे कि काका काका हो गया, तो ये उसके बारे में भी उन्होंने बात की। वो एक होती है जो एक्सीडेंटल जिनको बोलते हैं हम एटिमोलॉजी और उसमें आता है, उसके बिना जो है जब भाषा विज्ञान की बात करते हैं हम तो उसमें ध्वनि और अर्थ पक्ष उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। राहुल खटे जी ने बहुत ज्यादा उदाहरणें दी और इतनी उदाहरणें जो है वो एक कोश बनाने के लिए तो बहुत आसान होगा, पर अगर हम एक शब्द पकड़े एक ही शब्द जैसे उन्होंने इतनी एग्जांपल्स उसमें एक ही शब्द पढ़े तो उसकी उसके बारे में ही एक जुदा लेक्चर हो सकता है। क्योंकि जब हम व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो इतना उसको जैसे इन्होंने तो पूरा इसमें इसको बोलो कि हमें बहुत जल्दी से ही सारा इतना सारा ज्ञान संचन करके और हमें इन्होंने बता दिया, पर ये छोटा मोटा काम नहीं है, इनकी भी साधना होगी इतने सालों की, तो इन्होंने सारे शब्द इकट्ठे किए और एकत्र करके इन्होंने आज हमें बताए। पर अभी भी जो बात है हम अंग्रेजी को छोड़ के जब हम अंग्रेजी की तरफ जब ये बोल रहे हैं ना कि आंगल एवं अन्य भाषाओं के सब, तो अंग्रेजी मॉडर्न इंडियन मॉडर्न लैंग्वेजेस में आती है और इसके साथ हमारी इंडियन लैंग्वेजेस भी आ जाती है। जैसे कि बात हो रही थी कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं तो माँ का बच्चे के साथ कंपैरिजन कुछ मुझे लगता है कि माँ से ही शुरू करना चाहिए और अग्रणीय भी वही होता है। और जैसे खुद ही बात कर रहे थे राहुल खटे जी के डिक्शनरी की, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि वो जो शब्द है वो संस्कृत का ही ओरिजिन उसका बताया गया है कि टू पॉइंट टू लुक फॉरवर्ड, तो वो जब डिक्शनरी का ही शब्द जो है वो देश और वहां से ही निकल रहा है तो आप मान सकते हैं कि आगे जो शब्द उसका दूसरा है तो कोश शब्द है जो हम कोश विज्ञान के लिए यूज कर रहे हैं। तो कोश शब्द अपने आप में ही ये भी शब्द ये इसका इसका अर्थ ये निकलता है कि ये सारा ज्ञान संचय जो अर्थ का जो जिनमें अर्थ की एक तरह की समानता है तो उस वो शब्द जो है वो इकट्ठा किए गए उसके बराबर हमें लैटिन में शब्द मिल रहा है थिसोरस। तो ये बड़े लेट शब्द आ रहे हैं सारे, पर ये है कि लैटिन ग्रीक के साथ अगर हम संस्कृत का अगर कंपैरिजन करें तो उससे रिजल्ट बड़े अच्छे निकलेंगे। और मुझे तो कई बार लगता है आप मुझे बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं भाषा विज्ञान से, पर जब आपने शुरू किया ये लेक्चर जो आपने बातें की हैं प्रोफेसर आशुतोष जी, मुझे नहीं लगता कि आपको भाषा विज्ञान के प्रति इतना आपका ओरिएंटेशन चाहिए भी, क्योंकि आप खुद ही भाषा विज्ञानियों से कहीं ज्यादा जानते हैं भाषा के बारे में जो आपके आज कमेंट्स से। तो इसमें जो दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो होता है कि ध्वनि पक्ष होता है, अर्थ पक्ष होता है जो एटिमोलॉजी में, तो वो ट्रेवल करते हैं शब्द संस्कृत की धातु से वो ट्रेवल किए आगे। जब वो किसी और प्रकार के वातावरण में होते हैं या उस उनके जो लोग हैं वो शब्द को कैसे उसमें 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 उतार चढ़ाव आते हैं और कैसे उसमें परिवर्तन आते हैं, तो
उसमें ध्वनियों का जो परिवर्तन हुआ या अर्थ का परिवर्तन, अर्थ विस्तार हुआ, अर्थ संकुचित हुआ, तो ऐसी चीजें इन पे अभी स्टडीज इतनी नहीं हुई हैं, तो इस पे हमें अभी स्टडीज करनी बाकी हैं। बात कर रहे थे, एक बड़ी अच्छी बात की थी राहुल खटे जी ने, पहले भी एक दिन बात हुई थी, उस दिन बात कर रहे थे तो बनियन ट्री की ये बात कर रहे थे कि बनियन ट्री जो के वट वृक्ष या वट वृक्ष जिसको भारतीय भाषाओं में माना जाता है, तो वट वृक्ष जो है वो बनियन ट्री कैसे बना, तो खुद ही राहुल खटे जी बता रहे थे, और ये सही भी है कि बनियन शब्द जो बनियन ट्री जो है बनिया शब्द से आया, तो उसी से ऑब्जर्व हुआ कि बनिया जो थे वो एक दरख्त के नीचे को वृक्ष के नीचे बैठते थे। पर आगे बात ये है कि कैसे नाम पड़ गया, तो बनिया ट्राइब जो है वो अपने व्यापार के लिए जानी जाती है, तो जब व्यापार हुआ दूसरी कम्युनिटीज के साथ, तो रादर देन नेमिंग इट फ्रॉम देयर ओन लैंग्वेज टर्म, दे स्टार्टेड मेंशनिंग इट बनियन ट्री। सो ये चीजें बड़ी ज्यादा जैसे समझो कि इतनी बिल्कुल स्पष्ट और इतनी आसानी से इनके बारे में बात करना कोई मैं नहीं बोलती कि इतना आसान है, ये काफी जटिल है और इसमें काफी ज्यादा डिस्कशन और इसमें बैठ के इसकी व्याख्याएं करने की जरूरत है, उसके बाद ही इसके बारे में बात की जा सकती है। हालांकि हमारे पास फैक्ट्स हैं, क्लीन है, स्केट है, गोंडा की अगर आप देखो तो इतना अच्छा उसने वैदिक कंसेप्ट्स पे लिखा है, और उसमें एक आंख के ऊपर ही सिर्फ वेद में आंख को कैसे उसके बारे में व्याख्याएं हुई हैं, तो सिर्फ आई के बारे में या देखने के बारे में उन्होंने पूरे के पूरे जो है उन्होंने मैगजीन्स बनाए हैं उसमें, और उन्होंने अपने उसमें अपनी जो है धारा रखी भी है, बट नॉट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम संस्कृत, बाय रिलेटिंग इट विद प्रो इंडो प्रोटो इंडो यूरोपियन जो एक ट्रेंड रहा है प्रोटो इंडो यूरोपियन का, उसके हिसाब से भी उन्होंने बात की है। तो कुल मिला के अगर सभी जो बातें अभी हुई हैं, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है कि इस विषय के बारे में भी बात होनी शुरू हुई है। और जैसे अभी मैंने सुना भी था कि लिंग्विस्टिक्स वाले मानते हैं कि नहीं भाषाएं अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी, हम लोग खुद ये समझते हैं जो लोग एटिमोलॉजी से हैं, लेक्सिकोग्राफी से हैं, या जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स से हैं बेसिकली, तो वो ये चीज इवन फोनोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडीज करते हैं उनको पता है कि जैसे फोनोलॉजिकल ध्वनि में जैसे अंतर आता है, तो कैसे ये कड़ी जुड़ती जुड़ती कहाँ जाके जुड़ती है आखिर में, तो फिर एक धातु आती है तो वहां तक जाती है, फिर उनके अर्थों में एक अर्थों में भी जो परिवर्तन होता है तो कैसे वो धीरे धीरे होता है, तो ये सारी चीजें जो है भाषा विज्ञान का हिस्सा है। बेसिकली हम जब व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो उसमें हम लोग होमोनिम और पॉलीसेमस वर्ड जो होते हैं उनकी स्टडीज के लिए हम लोग एटिमोलॉजी को ज्यादा स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक्स में, कि कौन से शब्द हैं जो समनाम है। तो हमने बहुत सारी यहाँ पे उदाहरणें सुनी, राहुल खटे जी ने बताया, राजेंद्र जी ने भी उसमें बताया, बाकी भी जो विद्वान थे उन्होंने भी बात की इसके बारे में। सो इसलिए इसके बारे में मुझे आता है कि आप जैसे बोल रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चितरंजन जी हैं तो संस्कृत एकेडमी है, तो जरूर मिलके इसके बारे में काम करने की जरूरत है, पर जो इसके बारे में गूढ़ ज्ञान आशुतोष जी आपको है, मुझे लगता है कि आपकी नहीं मैडम, मैं तो खुद जानने वालों में से हूँ जो जैसी जैसी आपने भूमिका दी थी, तो आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि ये चीजें जो भाषा विज्ञान के संबंध से अगर उसको हम इसको दार्शनिक पक्ष से देखें, तो बिल्कुल ये तो आपने ऐसे था कि बिल्कुल सारा ज्ञान संचित करके हमें आपने 5 मिनट में बता दिया कि ये चीज है सारा। नहीं, मैं तो खुद बहुत आभारी हूँ आपकी, और
राहुल खटे जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे ही वो जारी रखें। और संस्कृत के साथ लैटिन और ग्रीक इसके ऊपर शोध करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे और हम लोग ज्यादा इस विषय के बारे में जानकारी भी प्रदान कर सकेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी विद्वानों की, सभी जो इस मंच से जुड़े हुए हैं उनकी बहुत आभारी हूँ। तो आखिर में आपको सबको नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हम लोग नया वर्ष ऐसे ही लेते हैं, जो वैसे तो हमारा कैलेंडर ऐसे ही चलता, चाहे हमारा नया वर्ष नहीं है ये हम कैलेंडर इसी से चलते हैं। जी जी so, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मैम, बहुत सटीक और बड़ी विश्लेषणात्मक आपने जो बातें हमें रखी हैं और जो सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से उसको हम जरूर भविष्य में, निकट भविष्य में ही उनको टेकअप करेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि अगर वो मैडम ने सुझाव दिया है उसको ध्यान में रखते हुए अपना वक्तव्य दें जीव विज्ञान के ऊपर, कि जहाँ पे लैटिन और दूसरे रोमन शब्दों को लेकर के उनके ओरिजिन हैं, क्योंकि ज्यादातर साइंस की टर्मिनोलॉजी तो वहीं से ही है, और फिर उसको संस्कृत के साथ जोड़ें तो मुझे लगता है हम लोगों को एक नई दिशा भी मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना, वैसे तो राहुल जी से भी मिल जाएगा आपका एड्रेस वगैरह, लेकिन आप हमारे साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो हम संस्कृत अकादमी की ओर से मिलके इसको निकट भविष्य में आयोजित कर लेंगे। जी। और अंत में अगर किसी की कोई टिप्पणी है, बहुत संक्षेप में क्योंकि समय काफी हो गया है, तो अगर किसी की कोई टिप्पणी है, कोई बात कहना चाहता है तो अपनी रख सकता है, तो फिर हम धन्यवाद करते हैं। भाषा विज्ञान की बात आती है तो भोलानाथ तिवारी जी का भी संदर्भ सामने आना चाहिए, और वो जो पंक्तियां उनकी, ओम नमः सिद्धम ओनामासिद्धम, ओम नमः सिद्धम बन गया ओनामासिद्धम, और हुकुमदर हुकुम्स देयर, तो भाषा विज्ञान का बड़ा ही रोचक विषय है, ज्ञानवर्धक विषय है, और इससे हम गौरवान्वित भी अनुभव करते हैं कि जब हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा कभी प्रथम फहराता है और उससे अर्थ स्पष्ट होता है, वसुधे कुटुंबकम की भावना भी जागृत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज इसको यहीं पे हम पूर्ण करते हैं, आज का वक्तव्य यहीं पे हम पूरा करते हैं, और इसी के साथ मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्री नॉलेज और सारस्वतम और दर्शन योग संस्थान और की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें जुड़े और आप लोग सभी ने अपना वैचारिक योगदान दिया। और निकट भविष्य में मैं, मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ अन्य जो संस्थाएं हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़ें, और चित्तरंजन जी यहाँ उपस्थित ही हैं, यदि आप अनुमति दें तो अगली बार जो है, जो भी हम आयोजन करेंगे संस्कृत टेक्स्ट रीडिंग का और लेक्चर्स का, वर्कशॉप्स का, तो उसमें जो है संस्कृत अकादमी जो है वो हम उसमें जोड़ सकें एकेडमिक। और इसी तरह से और भी कोई कॉलेज या कोई और चीजें हैं तो हम उसको जोड़ करके इसके साथ कार्य को अग्रसर करेंगे। तो धन्यवाद है आप सभी का, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, और निकट भविष्य में जो अगले हमारे कुछ वेबिनार्स रहेंगे, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो संस्कृत संस्कृत शास्त्रीय समीक्षा है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मीडिया लिटरेसी है, इन सारे विषयों को भी लेंगे, और साथ ही साथ जो है वो हम संस्कृत टेक्स्ट, क्योंकि वो हम नहीं छोड़ सकते, उसको देखना और पढ़ना तो बहुत जरूरी है, तो उस विषय को भी हम साथ ही साथ लेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। नमो नमः। नमस्कार। नमो नमः। धन्यवाद सर। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत आभार।